आई एवरी वन गड इवनिंग वेलकम टू एन अैडमी कैसे हैं सब बच्चे कैन यू ऑल हेयर मॉपरली दिख रहा है सबको हाँ जी तो मेरा नाम है बेटा जी सी पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यू जी कैटेगरी एंड हम लोग तैयारी कर रहे हैं नीट 2024 और नीट 2025 की 2024 की बात करें तो अब बचे हैं सिर्फ छः महीने इन छः महीने में क्या बेहतर किया जा सकता है इसके बारे में हम एवरी डे ऑलमोस्ट जब भी मिलते हैं चर्चा करते हैं और इसमें हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं विद दिस फ्री बैच जो कि आपके साथ जिसमें आपके साथ हम लोग शाम को चार बजे डेली मिलते हैं एंड इसमें हमने चैप्टर शुरू किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है जिसमें से तीन क्वेश्चन ऑन एवरेज आते हैं तीन क्वेश्चन का मतलब है बारह से सोलह नंबर का पेपर बेटा जी यहाँ से बन सकता है इस चैप्टर के मल्टीपल पार्ट है एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिस पार्ट में हमने एड्स डिस्कस किया हमने कैंसर डिस्कस किया अब बेटा जी अगला पार्ट आ गया है विच इज इम्यूनिटी मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैप्टर में एनसीआरटी का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही हूँ एनसीआरटी में चैप्टर स्टार्ट होता है हेल्थ से कॉमन डिजीजेज इन मैन से वो हम कल करने वाले हैं उसके बाद सेकेंड पार्ट एनसीआरटी में आता है इम्यूनिटी जो हम आज करने वाले हैं तीसरा पार्ट एनसीआर का आता है एड्स और कैंसर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है आई होप सब लोग को ये प्ले मिल जाती होगी इसी चैनल की प्ले पर है या फिर आप गूगल पे डालिए सीप पाउजा लिंक ट्री जब आप लिंक ट्री पे डालेंगे पहले लिंक पे जाएंगे तो आपको यार पूरी प्लेलिस्ट विद पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाती है ठीक है जी यस yes. अगर कोई डाउट होता है जैसे बच्चे हाँ, मुझे पूरा पूरा डाउट कॉपी पेस्ट करके दे रहे हैं यार यहाँ पर इट इज नॉट द राइट वे टू आस्क द डाउट डाउट के लिए बेटा आप स्पेशल क्लास में आया करिए स्पेशल क्लास में इजी होता है अगर आप प्लस स्टूडेंट हैं प्लस स्टूडेंट के लिए तो प्रॉपर डाउट रूम है बहुत बड़ा डाउट रूम होता है बेटा प्लस स्टूडेंट के लिए सुबह भी शाम को भी छह सात घंटे का लगातार रहता है आप उसमें जाके प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं ठीक है जी तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने में फोकस करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस हमने चालू करा है जिसमें आज हम करने वाले हैं इम्यूनिटी तो एक बार सब बच्चे रेडी है इम्यूनिटी के बारे में बेटा काफी ज्यादा चर्चा हमसे भी ज्यादा चर्चा इस समय न्यूज वालों ने कर दी है जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर भी था जब कोविड हुआ था तो कोविड में वही लोग बचे रहे जिनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग था तो ये जो इम्यूनिटी वर्ड है इस समय घर घर में घुस चुका है है ना इम्यूनिटी एक 90 साल के पर्सन को ही पता होगा जो न्यूज देखता है इम्यूनिटी बेटा एक छः सात साल के बच्चे को ही पता होगा जो अपने पापा अपने दादाजी के साथ बैठकर न्यूज देखता है उस इम्यूनिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यार अगर मैं मेरी बॉडी में सेल्स हैं मेरी बॉडी बेटा सेल्स से बनी हुई है ये मेरे सेल्स हैं अगर इन सेल्स के अलावा मेरी बॉडी के अंदर किसी और का सेल डाला जाए अगर इन सेल्स के अलावा मेरी बॉडी में किसी और का सेल डाला जाए वो बैक्टीरिया हो सकता है वो वायरस हो सकता है वो फंजाई हो सकता है वो प्रोटोजोआ हो, हो सकता है किसी और का सेल डालोगे तो यार मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी मेरी बॉडी कहेगी ये तो मेरा नहीं है मैं पहचानता हूं अपने तो अपने होते हैं उसको अपनों के बारे में पता है तुमने बाहर से कुछ भी डाला तो यार वो उसके लिए पराए हैं और परायों के लिए बॉडी में अतिथि देवो भव नहीं चलता वो क्या कहता है कि यार मेरी बॉडी में कुछ भी बाहर से आएगा उसको सबसे पहले काट के मुझे रफा दफा करना है निकालना है मारना है न्यूट्रलाइज करना है डिटॉक्सिफाई करना है कैसे करूंगा कौन मारेगा आके कौन गोलियां चलाएगा ये सब के बाद आज हम करने वाले हैं सो वॉट इज इम्यूनिटी इम्यूनिटी इज द प्रतिरोधक क्षमता सुना है ना बेटा आज तक में मैम बोलती है आके प्रतिरोधक क्षमता है ना आपकी बॉडी की एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स फॉरेन सेल इन फॉरेन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं एंटीजन बोलते हैं ठीक है जी अब कौन फाइट करता है जैसे बेटा इंडिया है इंडिया देश है देश की हमारी बाउंड्री है बाउंड्री में हमने सिपाही भेज रखे हैं हमारी आर्मी बैठती है हमारे नेवी वाले बैठते हैं ठीक है सिपाही भेज रखे हैं कि अगर कुछ भी घुसपैठिए अंदर आए तो उनको उड़ा देना यही सिग्नल दिया हो ना यार बाउंड्री पे बैठे हुए हमारे हमने सिपाहियों को कि अगर तुम्हें कहीं भी घुसपैठी अंदर आते हुए नजर आएंगे आतंकवादी अंदर आते हुए नजर आएंगे तो उनको क्या करना ऐसा तो है ना उनको चाय पानी पूछना कि अच्छा आप आ गए हैं हमारे देश में ये लीजिए चाय हमारे देश के समोसे बड़े फेमस हैं समोसे भी लीजिए साथ में चाउमिन भी खा खाइए ये सब तो नहीं पूछेंगे ना उनसे उनको डायरेक्ट ऑर्डर क्या है कि कोई भी घुसपैठिया दिखेगा उसको मार देना है वैसे बेटा हमारी बॉडी के सेल्स के पास भी डायरेक्ट ऑर्डर रहता है कि अंदर कोई भी एंट्री आता हुआ नजर आए तो उसको खाना पीना नहीं देना है उसको वहीं पे मार के खत्म करना है ठीक है जी यस तो इसी इम्यूनिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं यार सेशन चालू हो चुका है प्रतिरोधक क्षमता आज हमने डिस्कस करनी है तो अभी तक लाइक क्यों नहीं हुए है फटाफट फ़र से सेशन को लाइक करो जितने बच्चे देख रहे हो उतने लाइक कर दो जब तक मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ पेन पेपर फोकस लेके आइए सेशन को लाइक करिए हम लोग बेटा जी आज काफी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कवर करने वाले हैं कोशिश करेंगे इसको पूरा कर ले चाहे हमें डेढ़ घंटा लग जाए क्लास में लेकिन अच्छे से समझते हुए सारी चीजें कर लें के। कर दो फटाफट पड़ हुआ नहीं है कम ऑन एवरी वन फास्टली लाइक द सेशन जितने बच्चे देख रहे हैं इससे क्या होता है इससे अटेंडेंस लगती है तुम्हारी नहीं तो मेरे पास तो कोई मौका नहीं है इस तरीके से रजिस्टर लेके बैठूंगी बोलूंगी स्वराज प्रेजेंट मैम मिर्जा प्रेजेंट मैम ओ एस एम प्रेजेंट ऐसा नहीं चल सकता यही एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी अटेंडेंस मेरे साथ रजिस्टर कर सकते हैं और अगर समझ आता है तो यार ये अटेंडेंस लगानी बिल्कुल मस्त है ठीक है चलो इम्यूनिटी क्या है जैसे कि मैंने बताया प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी की एबिलिटी टू फाइट foreign substance foreign cell foreign cell को क्या बोलोगे एंटीजन बोलोगे मेरे साथ बोलना सीखो ये नाम बड़े मिलते-जुलते हैं मैं अभी एंटीबॉडी भी सिखाऊंगी अभी आप क्या सीखिए एंटीजन एंटीजन मतलब फॉरेनर मेरी बॉडी के लिए फॉरेनर इसको मारने की क्षमता दैट इज ओवरऑल एबिलिटी ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी हमारी एबिलिटी बॉडी की एबिलिटी टू फाइट अरे इसको क्या हो गया िटी ऑफ बॉडी टू फाइट यस अगेंस्ट किससे फाइट करना है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं है बेटा एक इसका सेपरेट नेम भी है इसको बोला जाता है पैथोजन ठीक है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन होता है अब पड़ा वो बैक्टीरिया पैथोजन नहीं है पड़ा हुआ वायरस पैथोजन नहीं है अगर वो वायरस मेरे अंदर जाकर मुझे डिजीज कॉज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा पैथोजन कहलाएगा तो पैथोजन को मारने की एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं इम्यूनिटी जैसे बेटा खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम सांस लेते हैं तो इस सांस में जो मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये ऑक्सीजन मेरे फूड को ऑक्सीडाइज करता है। बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इसके लिए प्रॉपर सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, उसको फैलाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम तो क्या मेरी बॉडी को जो इन फॉरेन सब्सटेंसेस से बचा रहा है एंटीजन से बचा रहा है उसके लिए सिस्टम नहीं होगा उसके लिए भी सिस्टम है उसके लिए जो सिस्टम है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम हम लोग ऑर्गेनिज्म ही तभी हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम है अब यह जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे के पास ऑलरेडी कुछ ऐसी चीजें होती हैं पहले से प्रेजेंट होती हैं जो उसको प्रोटेक्शन देती हैं बच्चे की स्किन प्रोटेक्शन दे रही है ना

बच्चे के पैदा होने पे बहुत सारी चीजें उसके पास ऑर्गन ऐसे होते हैं जो उसे ऑलरेडी प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बताई बच्चे की स्किन पहले से बनकर आई है प्रोटेक्शन दे रही है कि नहीं दे रही बिल्कुल दे रही है बच्चे के अंदर की माउथ की लाइनिंग सलाइवा प्रोटेक्शन दे रहा है उसके नोज में जो म्यूकस की कवरिंग है उसको प्रोटेक्शन वहां से मिल रही है ठीक है बच्चे की आ, के बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होगा एच उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है बच्चा रोता है रोएगा तो टीयर्स निकलेंगे टीयर्स में क्या प्रेजेंट होता है एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है वो भी उसको प्रोटेक्शन दे रहा है यानी कि बच्चे के जब बच्चे का जन्म होता है तो ऑलरेडी उसके पास कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो उसको इम्यूनिटी में मदद कर रहे होते हैं हाँ कुछ चीजें जन्म के बाद भी बनती है बोला जाता है ना जन्म के बाद जब ग्रोइंग एज होती है बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए बैलेंस मील लेनी चाहिए खेलना कूदना चाहिए ताकि फ्यूचर की जो इम्यूनिटी वो बेटर हो लेकिन कुछ बाय बर्थ भी तो मिल रहा है उसको तो यार हम यहाँ पर इम्यूनिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे कुछ ऐसी चीजें चीजें जो जो उसको बाय बर्थ बर्थ मिल रही हैं हैं कुछ ऐसी हैं जो के बाद उसमें डेवलप हो रही हैं तो दो तरीके की इम्यूनिटी होगी वन टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज इननेट इम्यूनिटी इननेट इम्यूनिटी होगी बाय बर्थ जो उसके पास प्रेजेंट है सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो अपने लाइफ टाइम में वो करेगा ठीक है जी जो लाइफ टाइम में उसके अंदर नए सेल्स बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्यूनिटी तो पहले बाय बर्थ वाली इम्यूनिटी से स्टार्ट करते हैं इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी इम्यूनिटी तो टाइप्स ऑफ सब कुछ समझ आएगा इतना मेरे पे भरोसा रखिए आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे जिसने नहीं देखे वो जरूर देखे हर चीज बेटा मैं इस तरीके से कराती हूँ कि यार आपको सिर्फ रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट ना लगे बायो ठीक है बायो एक रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं हाँ कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे जिसमें थोड़ा सा रट्टा बजता है लेकिन वो भी समझ के बजता है लेकिन ये वो चैप्टर नहीं है तो मेरी कोशिश रहती है कि यार हम सीखे तो नीट के हिसाब से लेकिन हमारी जनरल नॉलेज साइंस की बढ़नी चाहिए यहाँ पर तो फर्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी बेटा जी जो हम करने वाले हैं दिस इज कॉल्ड एज इन इम्यूनिटी फैमिलियल इम्यूनिटी और इसको बोला जाता है जेनेटिक इम्यूनिटी यानी कि वो इम्यूनिटी है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ बच्चे के पास जन जब वो लेता है तब ये सारी चीजें उस पर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी अब इसमें क्या क्या आता है इननेट इम्यूनिटी में बेटा टोटल चार तरीके के बैरियर्स आएंगे फोर टाइप्स ऑफ बैरियर्स दे आर गोइंग टू कम मेरे साथ साथ लिखते जाओ वैसे तो बेटा ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिलते हैं बट फिर भी अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो आपको पता है कि मैं हर सेशन में स्ट्रेस करती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग नोट साथ में बनाना स्पेशली बायो की क्लास में साथ में बनाना बहुत जरूरी है बाद में टाइम नहीं है अभी लिखने का साथ साथ समझो साथ साथ लिखो हां कुछ मिस हो जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम से जाकर लेख सकते हैं सीप पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल वहां पर मैं शेयर करूंगी और बेटा हर क्लास का लिंक भी आपको वहीं पर मिलेगा ठीक है दो लाख उसमें तकरीबन बच्चे होने वाले हैं तो फटाफट से उसको ज्वाइन कर लेना ठीक है तो चार बैरियर जैसा कि मैंने आपको बताया इननेट इम्यूनिटी में होते हैं पहला बैरियर बच्चों को बच्चे को इमेजिन करो बेटा अपने माइंड में आपके घर में आसपास परिवार में कोई ना कोई बच्चा जरूर आपके माइंड में आएगा इस समय अपने आप को इमेजिन कर लो यस फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज नॉन अदर देन फिजिकल बैरियर पहला बैरियर बेटा जी जो बच्चे का है फिजिकल बैरियर पहले से प्रेजेंट है स्किन आउटर मोस्ट लेयर सबसे बड़ा बैरियर तो बेटा यही है इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन जो बाकी चीजों को अंदर एंट्री आने से रोकता है रोकता है तो फिजिकल बैरियर में नंबर वन पे आपका आ जाएगा स्किन ठीक है स्किन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज कॉल्डम कॉर्नियम ये हम करते हैं एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना उसको बोला जाता है स्ट्रैटम कॉर्नियम तो एक ये बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है ठीक है जी कैरेटिनाइज्ड नॉन कैरेटिनाइज्ड कैरेटिनाइज्ड वो बेटा कैरेटिन बालों में प्रेजेंट कैरेटिन सुंदर बाल ट्रेसमिकी एड में प्रेजेंट तुम्हारे ड्राई एरिया में होता है सारा ड्राई है जिसने मेरे से एनिमल टिश्यू पढ़ा है वो समझ चुका है कि मैं किसको रेफर कर रही हूँ ठीक है यस yes, समझ चुका है किसको रेफर कर रही हूं ओके okay, यस yes. तो पहला बैरियर हो गया मेरा स्किन जो कि प्रोटेक्ट करता है दूसरा तीन सिस्टम्स की बात करूंगी बेटा मैं बॉडी में ऐसे तीन सिस्टम जो बाहर के कांटेक्ट में डायरेक्ट हैं जैसे तुम इमेजिन करो ये रफ शीट मैं ले रही हूं ये कोई बंदा है ठीक है आप में से ही कोई बंदा है तीन सिस्टम बेटा बॉडी में ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट आउटर एनवायरनमेंट से खिड़की टाइप लगी हुई है मतलब बाहर की हवा अंदर आ सकती है पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम यस और नो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद माउथ माउथ से तो बेटा बाहर की एयर अंदर आ सकती है आ सकती है नहीं आ सकती यस और नो बताते जाओ यस yes, खिड़की लगी हुई है बाहर का जो आउटर एनवायरमेंट है वो कॉन्टेक्ट में है दूसरा सिस्टम नाक नाक में से भी तो आवाज आ सकती है ये कौन सा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम बाहर के कॉन्टेक्ट में ठीक है जी है दो बता दिए तीसरा सिस्टम माइंड में सोचो जो बाहर के कांटेक्ट में यूरिनो सिस्टम जहां से आपका यूरिन रिलीज होता है यार बाहर के कांटेक्ट में है ना यार वो ओपनिंग जोनाइटल सिस्टम जोनाइटल सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाला सिस्टम बाहर के कांटेक्ट में हाँ अब बेटा जी ये जो तीन सिस्टम बाहर के में हैं इनके अंदर भी तो कोई प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा अब भैया घर में खिड़की होती है क्या खिड़ खिड़की पे जाली नहीं लगाते बताओ लगाते हैं कि नहीं लगाते जाली नहीं लगाएंगे मच्छर अंदर आएंगे मच्छर क्या कबूतर का पूरा कबूतर चिड़िया सब अंदर आ सकते हैं जाली लगानी पड़ती है खिड़की पे गेट लगाना पड़ता है है ना वैसे ही ये तीन सिस्टम बाहर के कांटेक्ट में है तो बाहर से कुछ ना कुछ डस्ट वस्ट अंदर आती होगी आती है इससे बचने के लिए इन तीनों की लाइनिंग पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है म्यूकस क्या करेगा जो भी बाहर से डर्ट वर्ट आया उसको ट्रैप कर लेगा है ना ट्रैप कर लेगा तो क्या आपको ये सिस्टम रटने की जरूरत पड़ेगी बताओ मेरे बच्चों क्या कभी ये सिस्टम रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है जो सिस्टम बाहर के कॉन्टेक्ट में है तो कौन कौन से सिस्टम आ गए एक आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम एक आ गया मेरा ब्रीदिंग वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम एक आ गया यूरिनो यूरिनोजनाइटल सिस्टम ये तीनों सिस्टम्स की लाइनिंग में क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करती है बच्चे में होती है यार बाद में आगे नहीं बन रही बच्चे में ऑलरेडी ये है इसीलिए इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है मेरे साथ साथ याद करके जाना है क्लास सीप मैम की क्लास की खासियत क्या है सीप मैम की क्लास की खासियत है कि यार आए हो तो यहीं पर लर्न करके जाओगे मन में बसा कर लेके जाओगे रट्टा नहीं होमवर्क नहीं जो है सब क्लास के दौरान है बस क्लास के बाद छुट्टी उसके बाद कुछ भी करते रहना ठीक है तो वन टाइप ऑफ बैरियर इज डन सेकंड टाइप ऑफ बैरियर जो ऑलरेडी बच्चे में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर यस फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजियोलॉजी क्या होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी मेरे बच्चों फिजियोलॉजी क्या होती है फिजियोलॉजी होती है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एक होता है एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है ना जिसमें हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी फंक्शनिंग अब इस फंक्शनिंग में बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स बन रहे होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस से आपको तो प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे में है ऑलरेडी जैसे कि जैसे कि बेटा हमने अभी बात की बच्चा रोएगा 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 तो आंसू निकलेंगे निकलेंगे आंसुओं में क्या है लाइसोजाइम लाइसोजाइम क्या फायदा है लाइसोजाइम बेटा जी एंटी होता है ठीक है एंटी बैक्टीरियल होता है बच्चा खाएगा खाएगा पेट में जाएगा खाना जाएगा पेट में जाने में बेटा उसकी स्टमक में मिलता है क्या एच हमारे में भी होता है खैर एच ये एच उसको बहुत सारे माइक्रोब से बचाता है बच्चा कभी कभी पसीना भी आएगा बच्चे के फेस पर ऑयल भी आएगा है ना ये सारी चीजें ऑयल फ्रॉम सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है ग्लैंड में ऑयल सलाइवा, उसके कान भी होंगे बेटा बच्चे के कान में वैक्स होगी इसको क्या बोलते हैं अपन लोग ईयर वैक्स ये भी बेटा कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करती है बच्चे को पसीना भी आएगा हाँ आएगा तो यार क्या निकलेगा स्वेट निकलेगा किस ग्लैंड से स्वेट ग्लैंड से तो यार ये भी बच्चे को फिजियोलॉजिकल उसका बैरियर प्रोवाइड करता है ठीक है यस <coughs> ये क्या है मिस्टर इंट्रोवर्ट आके पूछ रहे हैं एनी वन फ्रॉम जी के पी वी के पी है ये कौन से शहर का नाम है और जिस भी शहर का नाम है आप अपने शहर के दोस्त ढूंढने आए हो यहाँ पे हाँ चलो लाइव क्लास चल रही है मजेदार क्लास चल रही है मैम मैम की यहां बहुत बच्चे मैम से पढ़ते हैं मेरे शहर का कोई निकलेगा तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगा बेटा दोस्ती का समय ना निकल चुका है क्या है है गोरखपुर अच्छा दोस्ती का समय जी बेटा जी बेटा निकल चुका है। अगर तुम दोस्ती यारी में पड़े रहे तो ये छह महीने कब निकल जाएंगे तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा आज कोई तुम्हें गोरखपुर का मिलेगा कल तुम उससे नंबर मांगोगे परसों संडे को उससे मिलने जाओगे एक बारी मिलोगे बढ़िया लगेगा तुम्हें लगेगा मैं तो ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी ग्रुप स्टडी वडी होती नहीं है बेटा ये सब कॉलेज में जाके होती है नीट एस्पिरेंट की लाइफ में कोई ग्रुप स्टडी नहीं है जो करना है अकेले करना है अकेले आए हैं अकेले ही बेटा सीट लेके जाएंगे ग्रुप में क्या सीटें बैठती हैं कि चार बंदे आपस में पढ़ रहे हैं एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया क्या वो अपनी सीट तुम्हारे साथ शेयर करेगा नहीं करेगा ना तो इसीलिए सेल्फिश हो जाओ बेटा थोड़े से ठीक है दोस्त नहीं यहाँ पर नंबर ढूंढा करो दोस्त मत ढूंढा करो नंबर ढूंढा करो कौन से नंबर ये वाले नंबर ठीक है दोस्त का नंबर नहीं ढूंढना चलिए बेटा और क्या होते हैं में ठीक है अगला बैरियर जो ऑलरेडी बच्चे में by default present होता है that is cellular barrier. मतलब इसके पास बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करेंगे जैसे कि मैं सेल्स का नाम बेटा जी लिख देती हूँ पी एम एन एल पोलीमोर्फो पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट ठीक है मोनोसाइट होंगे बच्चे के पास वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे मैक्रोफाज होंगे नेचुरल किलर सेल होंगे मैक्रोफाज होंगे और नेचुरल किलर सेल जिसको हम लोग एन के सेल्स बोलते हैं दिख रहा है आप हाँ दिख रहा है नेचुरल किलर सेल्स जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनके सेल्स बोलते हैं ये पता क्या करते हैं इनका मैं तरीका बता देती हूँ लिखने की जरूरत नहीं है बस आपको याद रखना है कि भाई जब कोई बाहर से फॉरेन एंटीजन आता है बैक्टीरिया आ गया वायरस आ गया ये मान लो ये बॉडी है बॉडी है बेटा बाहर से इधर आ देते हो बॉडी है बेटा जी बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया एन के सेल ने देख लिया एन के सेल क्या करेंगे एन के सेल आएंगे और इसकी बॉडी में करेंगे छेद जैसे चुलबुल पांडे करते थे ना सलमान खान कि हम इतना मारेंगे इतना मारेंगे बॉडी में इतना छेद हो जाएगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि डैश कहाँ से करोगे और डैश कहाँ से करोगे है ना तो चुलबुल पांडे हमारे बॉडी के क्या करते हैं कोई बैक्टीरिया वायरस आया इसकी बॉडी में कर देंगे छेद, ही देखो ये छेद हो गया ये छेद हो गया ये छेद हो गया ये छेद हो गया अब इतने छेद जब बॉडी में हो जाते हैं तो इन छेदों के थ्रू बाहर का बाहर का बेटा जी मेटीरियल अंदर आएगा हाँ अंदर आएगा ठीक है पोर्स हो गए ना परफोरिन प्रोटीन की मदद से पोर्स हो गए टूर हो गए तो बाहर का सारा सामान अंदर भर जाएगा और अल्टीमेटली सेल फट जाएगा सेल विल बस्ट दिस इज हाउ दे किल एनी ठीक है जी और कौन होते हैं मैक्रोफाजिस भी होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं डायरेक्टली समझ गए चुलबुल पांडे हैं मैक्रोफाज लिख लिया फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस चलो तीन बैरियर बेटा जी अब तक मैंने आपको इनट इम्यूनिटी के बता दिए थ्री बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी वी हैड ऑलरेडी डन चुलबुल पांडे भी आ है चुलबुल पांडे आके क्या करेगा सेल चुलबुल पांडे ये है चुलबुल पांडे ठीक है ये चुलबुल पांडे आके क्या करेगा बैक्टीरिया वायरस की बॉडी में छेद करेगा छेद यानी कि पोर्स करेगा पोर करेगा तो अल्टीमेटली बाहर का जो भी मीडियम है वो अंदर सेल में घुसेगा और सेल फट जाएगा सेल तो अल्टीमेटली फट ही जाएगा ना तुम गुब्बारे के अंदर छेद कर दोगे तो गुब्बारा तो फट गया यही काम है बेटा एनके सेल का मैक्रोफाइज ने क्या किया बैक्टीरिया वायरस को खा लिया एनगल्फमेंट को बोलते हैं हम लोग फैगो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट बैरियर जो कि है यहाँ पर जिसका नाम है साइटोकाइन बैरियर ये बड़ा इंटरेस्टिंग बैरियर है साइटोकाइन बैरियर इसके लिए मैं अगले पेज को यूज करूंगी साइटोकाइन बैरियर हां जी लिख लिया यस yes.

आई एम चेकिंग यस कितने को पड़ोसी दोस्त है अच्छा आधो के दोस्त नहीं है ज्यादातर बच्चे नो लिख रहे हैं आजकल दोस्ती यारी का कहाँ ट्रेंड है दोस्तों तो तुम यहाँ बैठ के ढूंढ रहे हो हैं कि कोई गोरखपुर का है यहाँ पर के नहीं है दोस्त अगर यहाँ बैठ के ढूंढोगे तो पड़ोसी कैसे दोस्त बनेगा तुम्हारा सोचने वाली बात है अच्छा लेकिन बेटा ये साइटोकाइन बैरियर में पड़ोसी पड़ोसी का बहुत प्यार है इतना प्यार है कि एक पड़ोसी मरते हुए भी दूसरे पड़ोसी की जान बचा लेगा ठीक है जरा साइटोकाइन बैरियर को अगले पेज पे डिस्कस करते हैं ठीक है बहुत प्यार है। तुम अपने पड़ोसी यहां ढूंढोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ तुम्हारे पड़ोसी दोस्त थोड़ा बनेंगे सो दीज आर द सेल्स ऑफ बॉडी देखो ये सेल्स बहुत पास पास हैं, एडजस्टेड हैं, तो यानी कि दीज आर पड़ोसी सेल्स बोल सकते हैं हाँ पड़ोसी सेल अब बेटा जी ये पड़ोसी ए है ये बी है ये सी है ये डी है ये ई e है ये, ये पांचों सेल इकट्ठे खेलते हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं इनके पेरेंट्स भी आपस में बहुत बनती है इनकी तो दे आर क्लोज फ्रेंड्स एंड ऑल्सो दे आर नेबर्स अब क्या हुआ ए के ऊपर खतरा आया इस ए सेल के ऊपर खतरा आया इस ए सेल को किसने इंफेक्ट किया दिस ए सेल इज नाउ इन्फेक्टेड बाय वायरस वायरस आए और वायरस ने ए को इन्फेक्ट कर दिया ए को समझ आ गया कि यार अब मेरी जिंदगी नहीं बच सकती मेरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी वायरस मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है ठीक है लेकिन ए को ये भी पता है कि अगर मेरा नंबर आया तो अगला नंबर बी का है, उससे अगला नंबर सी है फिर डी है और फिर ई है ए कह रहा है यार मैं तो जा रहा हूं क्योंकि मैं बच नहीं सकता हूं ऐसा करता हूं मैं बी सी डी ई को बचा लेता हूं कैसे जब बेटा जी वायरस वायरस बेटा जी एक सेल को इंफेक्ट करता है ये इंफेक्टेड सेल क्या रिलीज करता है इंटरफेरॉन्स, यस yes. समझे बेटा ये अपना इंफेक्टेड सेल इंफेक्टेड सेल कौन सा हो गया ए सेल इस ए सेल ने क्या रिलीज किए इंटरफेरॉन्स, ये इंटरफेरॉन्स क्या है एंटीवायरल प्रोटीन है इंटरफेरॉन्स क्या है एंटीवायरल प्रोटीन है ये जो इंटरफेर हैं, दीज इंटरफेर विल नाउ वॉर्न बी सी डी ये बेटा वार्निंग देंगे किसको? बी को सी को डी को ई e को समझ रहे हो यस yes, या दोबारा सुनो मैं इसको दूसरे तरीके से लिखती हूं रुकिए दूसरे तरीके से लिखती हूं तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा देखो वायरस ने ए को इन्फेक्ट किया ए ने कहा मैं तो मरने वाला हूं मैं वॉन कर देता हूँ बी को सी को डी को ई e को सबको वॉन कर दिया कि भैया मोहल्ले में वायरस आ चुका है मेरी तो शामत आ चुकी है तुम भी बचने नहीं वाले हो मेरी शामत आ चुकी है तुम भी बचने नहीं वाले हो तो थोड़े से अलर्ट हो जाओ तो अलर्टनेस में ये बी सी डी ई समझ जाते हैं दोस्त है ना उसकी भाषा समझ गए इन्होंने बेटा जी इस रिस्पॉन्स में क्या बना लिया इन्होंने इस रिस्पॉन्स में क्या बना लिया एंटी वायरल प्रोटीन पहले से बना के बैठे हैं यानी कि ए पहले से बना के बैठे हैं तो जब बेटा जी वायरस बी पे जाएगा तैयार है मामला सी पे जाएगा एवीपी तैयार है डी पे जाएगा तैयार है ई e पे जाएगा तैयार है एंड वायरस विल नॉट बी एबल टू इन्फेक्ट बी सी डी ई यानी कि वायरस इंफेक्टेड सेल अपने पड़ोसी सेल को पहले से इन्फॉर्म कर देता है कैसे वाया इंटरफेरॉन्स इस इंफॉर्मेशन से पहले ही ये लोग अपने अंदर असला बारूद बना के रख लेते हैं अपने अपने सेल में असला बारूद बन गया असला बारूद क्या है एंटीवायरल एंटीवायरल प्रोटीन प्रोटीन ये ये काम आएंगे जब वायरस बी पे पे पहुंचेगा सी पहुंचेगा डी पे पहुंचेगा ई पे, e पे पहुंचेगा क्या तुम में है ये बात कि अपने पड़ोसी के लिए मरते मरते अपने पड़ोसी को बचा के चले जाओ शायद तुम में बात नहीं होगी लेकिन ये बात हमारी बॉडी में है हमारी बॉडी के वायरस इंफेक्टेड सेल्स में है इन पैरियर ये बच्चे में शुरुआत से प्रेजेंट होता है कि अगर एक सेल को वायरस ने इंफेक्ट किया तो यार वो साइटोकाइन रिलीज करेगा कौन साइन इंटरफेर रिलीज करेगा ये इंटरफेर उसके नेबरिंग सेल्स को जाकर इन्फॉर्म करेंगे जिसकी वजह से ये एवीपी पहले से बनाकर रेडी रहेंगे है ना कह रहे हां हम में है नहीं बेटा तुम साइटोकाइन रिलीज ना कर पाओगे ठीक है पड़ोसी की जान ले लोगे पड़ोसी को बचाने तो तुम दूर है बहुत अच्छी बात है बचाना चाहिए आपको अपनी बॉडी से सीखना चाहिए कि कैसे हमारी बॉडी यू नो प्रोटेक्ट कर रही है चलो तो ये बात होगी मेरे इननेट इम्यूनिटी के बैरियर्स की क्या चार बैरियर मेरे बच्चों सबको याद हो गए इननेट इम्यूनिटी वो है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट है इननेट इम्यूनिटी को नहीं पता कि कौन है बैक्टीरिया कौन है वायरस कौन है प्रोटोजोआ वो सबके लिए सेम रिस्पॉन्स करती है सबको मारने के लिए स्किन है सबको मारने के लिए एसिड है सबको मारने के लिए टीयर्स में लाइसोसाइम है किसी के लिए अलग भेदभाव तो नहीं है कि भैया कोरोना वायरस आएगा तो उसके लिए ये करूंगी टीबी वाला बैक्टीरिया आ गया उसके लिए ये करूंगी टाइफाइड वाला आ गया उसके लिए करूंगी करूँगी नहीं उसको नहीं पता कि कौन आया है बस उसको ये पता है कोई बाहर से आया है कोई बाहर से आया तो मेरी स्किन को रोकना है मेरी म्यूकस मेमब्रेन को उसको ट्रैप करना है मेरे अंदर एसिड लाइसोजाइम से उससे मरवाना है या फिर सेल आके मैक्रोफाजिज आके फैगोसाइटोसिस कर देंगे या फिर अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो इंटरफेरॉन से मदद ले लेंगे उसको कुछ समझ नहीं आता कि बैक्टीरिया कौन है वायरस कौन है फंजाई कौन है प्रोटोजोआ कौन है ये है मेरी इननेट इम्यूनिटी बेसिक्स इम्यूनिटी जो बाय बर्थ बच्चे में प्रेजेंट होती है होती है यस बाय बर्थ बेटा जी बच्चे में प्रेजेंट होती है अब बात करते हैं बेटा जी, उस की, जो कि की आती है सेकंड टाइप ऑफ इम्युनिटी पे चले सेकेंड टाइप ऑफ इम्युनिटीड इम्यूनिटी मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी बेटा जी जिसके बारे में एनसीईआरटी बात करती है और जिस पे सवाल आ चुके हैं कुछ कुछ चीजें मैं पहले बताती थी जैसे इन्फ्लॉर्मेशन एंड ऑल उसपे अब इतना क्वेश्चन नहीं आता है उसको मैं बीच में ही कवर कर लूंगी तो उसका अलग से बनाने का कोई फंडा नहीं बनता है अब जो पेपर है वो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली एनसीआरटी बेस्ड हो गया एनसीआरटी ने जिस लाइन के बारे में बात कह दी बस हमें वही अच्छे से करनी है ठीक है जी यस yes. ओके okay. <coughs> क्या नहीं पता वाई टी वालों को योगिता सोनी यस yes. क्या नहीं पता है? सब तो पता है हाँ एक बात पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं पता है वो है अनसैट कितने बच्चों ने अनसेट दे दिया जिनका डेट फर्स्ट ऑफ अक्टूबर था तीन दिन था ना तीन दिन है फर्स्ट एट्थ एंड फिफ्टींथ ऑफ अक्टूबर क्लास खत्म नहीं हुई में बता रही हूँ इंपॉर्टेंट चीज ठीक है अन अकेडमी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट ये टेस्ट हर टॉपर देता है पिछले साल तीन साल से हमें टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं तनिष्का हो रुनाल्ड हो कोई भी हो हर बच्चे ने टेस्ट को दे रखा है ये टेस्ट आपको भी देना है कुछ बच्चों का टेस्ट फर्स्ट को हो चुका होगा अगर वो दोबारा देना चाहते देखो हर दिन नया टेस्ट होगा तो आप नए नंबर से रजिस्टर करके दोबारा भी दे सकते हैं यस बेटा दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी क्योंकि तुमको तो यार टेस्ट देना है ना एक बार दे दे चलो ठीक है बाकी जिन बच्चों ने नहीं दिया है उनके लिए अभी भी डेट्स ओपन है एट्थ और फिफ्टींथ की प्लीज मैंने यहाँ पर लिंक पिन करवा दिया है इस लिंक पे जाइए बिल्कुल फ्री टेस्ट है सिंपली उसमें क्या करना है एनरोल करना है

आपके पास ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे आप अपने शहर से बाहर इंस्टीट्यूट से बाहर अपनी स्टेट से बाहर बच्चों के साथ लड़ पाए मतलब इस फॉर्म में लड़ पाए वाई पेपर ऑल इंडिया लेवल पे होना है पेपर आपके कोचिंग में नहीं होना ना पेपर स्कूल में होना है ना पेपर आपके शहर में ना स्टेट में होना है ऑल इंडिया लेवल हर बच्चे से आपको फाइट करनी है तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो ऑल इंडिया लेवल पे आपको आपकी रैंकिंग बताता है तो मेक श्योर यू आर अपियरिंग इन दिस एनरोलिंग इन दिस प्लीज इस पे जाकर एनरोल कर लीजिए बिल्कुल सबको देना ही देना है चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा वो होती है जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम ड्यूरिंग लाइफ टाइम बर्थ से नहीं मिल रही है बेटा अपनी जिंदगी में ये नए सेल बनते हैं ठीक है जन्म से प्रेजेंट नहीं होते हैं इसीलिए क्या है अक्वायर्ड है अक्वायर्ड बेटा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली वर्टिब्रेट्स ये एडवांस्ड का प्रॉपर्टी है लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स

स्पेसिफिसिटी का मतलब है ये अलग अलग प्रकार के दुश्मनों को पहचान सकती है अब बेटा आपके घर कोई खाना खाने मेहमान आया एक मेहमान पड़ोसी भी होता है समझना इसको एक मेहमान मेरा पड़ोसी भी होता है और एक मेहमान मेरी मासी भी होती है एक मेहमान मेरी बुआ जी भी होती है अब जब पड़ोसी आता है तो क्या मम्मी बाजार से समोसे मंगाती है बताओ तुम बताओ पड़ोसी आता है मेरे घर पे तो क्या मम्मी भेजती है जा बाजार से समोसे ले आ चार समोसे पैक करा के लिया क्या मम्मी रसगुल्ले मंगाती है नहीं मंगाती है लेकिन अगर घर पे मासी आ जाए नानी आ जाए तो समोसे भी आएंगे पनीर पकौड़े भी आएंगे गुलाब जामुन भी आएंगे है ना यानी कि अलग अलग मेहमान के लिए अलग अलग मेहमान नवाजी होती है है ना अगर बुआ जी आ जाए तो बुआ जी के लिए उनकी फेवरेट आइटम आएगी लेकिन अगर आपका दोस्त आ जाए कुछ नहीं मंगाएंगी ठीक है ये तो बच्चे का दोस्त है रोज आता है रोज रहता है इसको तो घर का खाना तोरी लौकी हिलाओ यही ठीक है इसके लिए है ना वैसे ही बॉडी है बॉडी की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हर एक को पहचानती है उसको पता है कि यार बैक्टीरिया आया है तो मुझे ये बनाना है इसको मारने के लिए वायरस आया तो मुझे ये बनाना है फंजाई आया है तो मुझे एंटीफंगल प्रोटीन्स बनाने हैं प्रोटोजो uh, आया है तो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनाना है यानी सेम बैरियर था लेकिन इसको पता है तो ये उसी टाइप का एंटीबॉडी बनाती है ठीक है जी पहली चीज आती है स्पेसिफिसिटी दूसरी चीज आती है बेटा डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब होता है सबको पहचान सकती है तुम कितने बैक्टीरिया तुम्हारे पास गिनती भी नहीं है कितने वायरस है सबको पहचान सकती है अब जब कोविड आया कोविड के कितने स्ट्रेन बने इम्यून सिस्टम ने तो सबको पहचान लिया है ना ओमिक्रोन के लिए अलग टाइप का एंटीबॉडी बना था डेल्टा के लिए अलग टाइप का बना है अल्फा के लिए अलग टाइप का बना है यानी कि इट इज हाईवी डाइवर्स ये काफी लोगों को पहचानती है ठीक है उस हिसाब से फिर ये रिस्पॉन्स भी देती है नेक्स्ट बेटा इट कैन डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ क्या मतलब है इसका इसको पता है कि अपने तो अपने ही होते हैं अपनों को नहीं मारना बाहर वालों को मारना है इट कैन रिकोगनाइज कि ये मेरी बॉडी का सेल है इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है ये बैक्टीरिया बाहर का है वायरस बाहर का है फंजाई बाहर का है उसको छोड़ना नहीं है ये पहचानती है बेटा ठीक है इट कैन रिकोगनाइज बिटवीन सेल्फ सेल्फ मतलब मेरा खुल का खुद का नॉन सेल्फ मतलब बाहर के सेल ये पहचानती है दूसरा जब एक बारी पहचानती है तो भूलती नहीं है कमोलिका है ये ठीक है भूलती नहीं है एक बारी बेटा आपने कोविड का वैक्सीन लगवा लिया क्या दोबारा आपको कोविड हुआ बहुत कम लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हुआ आप लोगों ने टीबी का वैक्सीन लगवाया हुआ जब आप छोटे थे आपको टीबी होता है नहीं होता है आप लोगों ने हेपेटाइटिस का वैक्सीन मतलब उम्र में डाला था, थोड़ा याद है अब तुम्हें तुम्हारे अंदर कोविड चला जाए कोरोना वायरस चला जाए, जाए तुम्हें कोरोना नहीं होगा तुम्हारे अंदर टीबी का बैक्टीरिया चला जाए तुम्हें टीबी नहीं होगा तुम्हारे अंदर मम्स वाला बैक्टीरिया चला जाए तुम्हें मम्स नहीं होगा क्यों क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी बन चुकी है ये प्रॉपर्टी है बेटा एक्वायर्ड की ये पहचान चुका है छोटे होते हैं इसने देख लिया सब कुछ दोबारा अगर वो आया तो उसकी खैर नहीं शामत आ जाएगी उसकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा वो ठीक है जी तो ये यार अपनी चार फीचर्स है अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अब इस अक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास सिस्टम है इम्यून सिस्टम इस इम्यून सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स कर ले बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन्स यस कर ले एक बार बता दो फटाफट सेशन को लाइक करते जाओ साथ साथ और बताते जाओ कि ये मैम इतना हो गया है अब जरा लिम्फॉइड ऑर्गन्स का टॉपिक हम कर लेते हैं साथ में बेटा आपकी एनसीआरटी में लाई हूं डोंट वरी हम उसमें से भी देखेंगे क्या फोटो बनी हुई है सब चीजों के बारे में बात करेंगे चलिए करते हैं बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लिम्फॉइड ऑर्गन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की खास बात आपको पता चल गई लिम्फॉइड ऑर्गन हो जाएंगे जैसे ही तब मैं आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स भी बता दूंगी चलिए लिम्फॉइड ऑर्गन एक टाइप के ऑर्गन है जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स दूसरे टाइप के होते हैं बेटा जी सेकेंडरी पहले प्राइमरी कर लेते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का माल मसाला बनाते हैं बेटा जी इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए असला बारूद होना तो ज़रूरी है है कि नहीं साथ में सिपाहियों का होना भी बहुत जरूरी है हम अच्छे सिपाही लाने के लिए आर्मी में टेस्ट रखते हैं आपका एबिलिटी का टेस्ट भी होता है फिजिकल टेस्ट भी होता है वैसे ही बेटा बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सिपाही भी चाहिए और साथ में असला बारूद भी चाहिए तो मेजर जो दो सिपाही बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि वो दो बॉडी के सेल्स हैं जो बेटा जी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो जो दो सेल्स है ना वो हैं बी सेल्स ओहो कौन से हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स ये मेजर सिपाही हैं कौन से सिपाही हैं बी सेल एंड टी सेल अब ये बी सेल और टी सेल जहां बनते हैं बॉडी में उसको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी कि द ऑर्गन वेयर बी टी सेल ओरिजिनेट एंड बिकम एंटीजन स्पेसिफिक मैं लिख रही हूं यहां पर ये वो ऑर्गन हैं यस ऑर्गन्स वेयर बी सेल पता चल गया सिपाही है एंड टी सेल दो काम होंगे एक तो बेटा इनका ओरिजिन यहां पर होगा ओरिजिनेट प्लस बेटा दे विल बिकम एंटीजन स्पेसिफिक इनके ऊपर रिस, रिसेप्टर आ जाएगा स्पेसिफिसिटी का एंटीजन स्पेसिफिक हो जाएंगे दीज आर कॉल्ड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और आपके पूरे शरीर में बॉडी में दो प्राइमरी लिंफॉइड ऑर्गन है एग्जाम्पल इज बोन मैरो बोन मैरोमस बोन मैरो एंड मैरोमस बोन मैरो है बोन के सेंट्रल पार्ट में इफ यू रिमेंबर अगर आपने मेरे से एनिमल टिश्यू पढ़ा है तो उसमें मैंने बोन का स्ट्रक्चर बताया था यहाँ बीच में बीच में बेटा बना, बना रहे थे येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो यहीं पर बेटा जी आपके बी और टी सेल बनते हैं थाइमस कहाँ था बेटा अगर आपने मेरे से ब्रीदिंग वाला सिस्टम पढ़ा है तो बढ़िया है नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं ये आपके लंग्स है ये आपका दिल है दिल के ऊपर यहाँ ये बैठा थाइमस रहा है ये थाइमस दिल के ऊपर लंग्स के बीच की स्पेस जिसको मिडियास्टेनम बोलते हैं इस मिडियास्टेनम में प्रेजेंट है थाइमस थाइमस इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड ये था बनाता है और बेटा जी टी सेल को मेच्योर करने में मदद करता है ओके यस मेरे बच्चों ठीक है तो दो मेरे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए बी सेल भी यहां बनेगा बोन मैरो में टी सेल भी बोन मैरो में बनेगा ठीक है जी यस थामस में क्या होता है थाइमस में जाकर आपका टी सेल मेच्योर होता है बो बी सेल बेटा बोन मैरो में ही मेच्योर हो जाते हैं लेकिन थाइमस को टी सेल को मेच्योर होने के लिए थाइमस जाना पड़ता है इसके लिए बॉक्स बना देती हूँ एक रुकिए ये इंपॉर्टेंट है यस बी सेल बनते हैं बी सेल बेटा जी बनते हैं बोन मैरो में नाम से कहा बनेंगे बोन मैरो में टी सेल भी कहां पर बनते हैं बोन मैरो में बनते हैं तो भैया मेच्योर कहा होते हैं बी सेल तो बेटा जी बोन मैरो में मेच्योर हो जाते हैं इनको बाहर नहीं जाना पड़ता मेच्योरेशन के लिए लेकिन टी सेल को बेटा जी मेच्योरेशन के लिए बाद में जा बाहर जाना पड़ता है दैट इज थ में थामस में जाके बेटा जी ये बनेंगे ठीक है बनेंगे तभी तो टी सेल का नाम टी है है, 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 कि यार यार ये हो 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 रहा 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 तो में में ही हो रहा है, B से आ गया नाम, लेकिन T mature पर हो रहा है? Thymus में जाके हो रहा है इसीलिए इसका नाम है टी सेल असल में बी बी सेल इज नॉट फ्रॉम बोन सेल वर्ड आया है फ्रॉम बर्सा ऑफ फेब्रिशियस बर्ड्स में होता है बेटा बर्ड्स में ये सेल बनाने जैसे हमारे अंदर सेल बोन मैरो में बनते हैं ना बर्ड्स में यही सेल बर्स ऑफ फेबर में बनते हैं तो बर्स ऑफ फेब्रिशियस से बेटा वो बी वर्ड आया बट ये कोइंसाइड कर रहा है हमारे बोन मैरो से भी एनीवे anyway, वे तो यार ये बात हो गई आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की समझ गए यस yes, मेरे बच्चों समझ गए तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि बी कहाँ से आया तो तुम बोलोगे बी जो टर्म आई है वो आई है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस किस में होता है ये ये होता है बर्ड्स में ठीक है जी बर्ड्स में टी को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोला जाता है ये सब बात मैं एंडोक्राइन सिस्टम में बताती हूं चलिए आगे चलते हैं बेटा जी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बेटा आपको पता है ना बेटा डेली क्लास का लिंक कहाँ आता है कहाँ आता है बताओ यस बताइए आता है? Yes, TG पे. तो 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 बेटा कल की क्लास क्लास में मैं कराऊंगी. वो क्लास इस पे तो इस चैनल चैनल तो ही होगी. को सब्सक्राइब करके से कम अटेंडेंस दिखी वहां पर सेशन स्टार्ट होने से पहले तो सेशन अब आगे से स्टार्ट नहीं होंगे बिकॉज आई एम वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू गाइज आई एम मेकिंग श्योर की मैं हर चीज आपको बताऊँ आई एम मेकिंग श्योर की मैं हर चीज लिखूँ आई एम मेकिंग श्योर की हम हर चीज लाइव करें कहने को बेटा रिकॉर्डेड कॉन्टेंट वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट ऑलरेडी पढ़ा है बट मैं सच में चाहती हूँ जो लाइव की बात होती है वो उसकी बात नहीं हो सकती तो आप लाइव अटेंड करें लाइव अपनी अटेंडेंस लगाए और बेटा वहां पर आप उसको ज्वाइन जरूर करके रखें वहीं पर मैं कल की क्लास का लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी अब आई एम नॉट श्योर इन्होंने कल की क्लास लगाई है नहीं लगाई है मैं चेक कर लेती हूँ

डिफ्रेंशिएट होंगे और बेटा जी इनका नंबर बढ़ेगा प्रोलिफ्रेशन का मतलब होता है नंबर बढ़ना आपकी बॉडी में कौन से सेकेंडरी एग्जाम्पल हेयर एग्जाम्पल बेटा जी हेयर इज गोइंग टू बी टॉन्सिल्स लिम्फ नोड्स ये भी हैं स्प्लीन आपकी इंटेस्टाइन के साथ जुड़े हुए पियर्स पैचेस पियर्स पैचेस मॉल्ट, मॉल्ट क्या होता है मिकोजा एसोसिएटेड टिश्यू टिश्यू यहां पर जाकर बेटा असली लड़ाई होती है लिम्फॉइड टिश्यू अब बेटा जी ये जो स्प्लीन है ना ये आपके ब्लड में से एंटीजन को ट्रैप कर लेता है फांस लेता है ये बड़ा चालू है ठीक है ट्रैप्स ब्लड बॉर्न एंटीजन ब्लड में जो भी दुश्मन बैठे होंगे एंटीजन यानी कि दुश्मन इन दुश्मनों को फांस लेता है ट्रैप्स ब्लड बॉन एंटीजन ये जो मेरे लिम्फ नोड है ये ये भी बड़े चालू है ये लोकल टिश्यू में से फास लेते हैं दे ट्रैप एंटीजन फ्रॉम लोकल टिश्यू फ्रॉम लोकल टिश्यू ठीक है जी फांस लेते हैं फंदे फंदेदराम ठीक है जी तो लिम्फ नोड कहां से एंटीजन को फंसाता है टिश्यू में से अगर टिश्यू में कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाए स्प्लीन बेटा ब्लड में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाए उसको फंसा लेगा और फिर बेटा बी और टी सेल मेरे स्प्लीन में जाके उसको मार गिराएंगे ठीक है जी ये पियर्स पैचेस कहाँ मिलते हैं इंटेस्टाइन में मिलते हैं ठीक है देन इंपॉर्टेंट चीज आती है अबाउट मोल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू अगेन ये वही इननेट इम्यूनिटी वाला है याद करो म्यूकोजा कौन कौन से सिस्टम की लाइनिंग में था डाइजेस्टिव जिसको बाहर से कॉन्टेक्ट में है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का है रेस्पिरेटरी सिस्टम का है और यूरिनोजोनाइटल सिस्टम का है तो वहां की जो म्यूकस की लाइनिंग है वहां पर म्यूकस की लाइनिंग है ना बेटा वो ट्रैप करती है आपके एंटीजेंस को जो बाहर से आ रहे हैं तो बेटा दिस ऑल्सो फॉर्म्स द मेजर मेजर चंक ऑफ योर लिम्फॉइड टिश्यू फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल टिश्यू इन योर बॉडी इज मॉल्ट फिफ्टी परसेंट कैसे मैम भैया डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग कितनी लंबी है सारे में म्यूकस है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा खासा लंबा है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी काफी लंबा है पूरे सिस्टम की लाइनिंग में म्यूकस है तो 50% परसेंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू ये PYQ रह चुका है मेरे बच्चों दिस पीवाई क्यूस फिफ्टी परसेंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू बनाता है और कोई नहीं आपका आपका मॉल्ट ठीक है मॉल्ट का फुल फॉर्म आना चाहिए बिकोज एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू मैं यहां दोबारा लिख नहीं रही हूं बट एन में मेंशन है तीन सिस्टम्स की म्यूकस लाइनिंग डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी, यूरोनोजनाइटल मैंने तुम्हें लर्न करवा दिया मैंने तुम्हें लर्न करवा दिया दिस इज अ पीवाई क्यू हाईली इंपॉर्टेंट और आपने देखा है पीवाई क्यू में कैसे पीवाई क्यू रिपीट होते हैं हर तीन साल बाद सेम क्वेश्चन आ जाता, तीन से चार साल बाद कई बार इधर से कान मड़ो और क्या आएगा इधर से अब एनसीआरटी थोड़ा बदल सकती है कहने को बेटा जी एनसीआरटी थोड़ा बदल सकती है वो तो यही रहेगी ना तो ये देख लो फोटो यस मैंने आपको सेकेंडरी लिंपॉर्टिशू में क्या बताया था लिम्फ नोट होते हैं ये बेटा लोकेशन है बेटा जी आपके लिम्फ नोड्स की ये थाइमस थाइमस था बताया दो लंग्स के बीच में हार्ट के ऊपर यानी कि मिडियास्टिन में प्रेजेंट है बेटा जी ये थाइमस देन ये आपकी लिम्फेटिक वेसल ठीक है यहाँ दिया भी हुआ है लिम्फॉइड ऑर्गन ये देख लो बोन मैरो एंड थाइमस प्राइमरी लिम्फॉड ऑर्गन है ठीक है जहां पर इनमेचर लिम्फोसाइट क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट ये जो लाइन लिखी हुई है ना डिफ्रेंशिएट होते हैं यही तो हमने लिखा है जहां पर ये एंटीजन स्पेसिफिक हो रहे हैं हमने भी ये लाइन लिख ली ठीक है जी Maturation के बाद बेटा ये लड़ाई करने चले जाते हैं कहा जंग के मैदान में जंग का मैदान प्राइमरी टिशु नहीं है, सेकेंडरी टिश्यू है जंग का मैदान क्या है साइट ऑफ इंटरैक्शन ये रहा बेटा जंग का मैदान जहां पर दुश्मन भिड़ेगा हमारे सेल से टी और सी

इट रेड्यूसेस टू वेरी स्मॉल साइज असल में मैं आपको थाइमस की कहानी बताती हूँ जी जब साइज का ग्राफ बनाते हैं ना ऐसे बनता है लेट मी जस्ट्रॉइट ऐसे एन सी आर थोड़ी डिफरेंट बात कहती है कि बर्थ पे सबसे बड़ा होता है बट असल में बेटा जी प्यूबर्टी के वक्त थाइमस जो है ना इसका साइज सबसे बड़ा होता है और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र होती जाती है थाइमस का साइज जो है वो कम होता जाता है लेकिन अगेन हम एनसीआरटी को फॉलो करेंगे ये कह रही है इट इज लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग विद एज द टाइम प्यूबर्टी इज बायुबर्टीन इट इज रेड्यूज टू वेरी स्मॉल साइज असली बात वैसे ये नहीं है पर चलो हम यही बात याद रखेंगे कि प्यूबर्टी के वक्त ये काफी छोटा हो जाता है बेटा जो आदमी बूढ़ा हो जाता है बूढ़े आदमी की प्रतिरोधक क्षमता तुमसे अच्छी होगी कि बुरी होगी ऑफिस से बात है बेटा तुमसे बुरी हालत में होगी तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थाइमस का साइज कम होता जाता है इसी वजह से हमारा इम्यूनिटी का लेवल भी कम होता जाता है प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैचोरेशन बिल्कुल सही बात है डेवलपमेंट भी हो रही है और मेचोरेशन भी हो रही है सही लिखा है ठीक है स्प्लीन बेटा इट इज द लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन ये बेटा स्प्लीन की जो शेप है यह बिल्कुल राजमा की तरह है बीन शेप्ड ऑर्गन है ये बेटा जी फिल्टर करेगी ब्लड में से बताया ना फिल्टर करती है ट्रैप करती है ब्लड बॉन uh, को और साथ में इट इज द लार्जेस्ट ऑफ एरिथ्रोसाइट वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात बेटा जी हम करते हैं बॉडी फ्लोर्स में मां बोलते हैं ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी है आरबीसी की उम्र कितनी होती है 120 दिनों की 120 दिनों के जा, बाद जाके उनको अपनी कब्र में जाना पड़ेगा ग्रेवियार्ड क्या है उनकी स्प्लीन सो इट इज द लार्जेस्ट रेजरवायर सबसे ज्यादा आपको यही मिल जाएंगे एरिथ्रोसाइट क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे भी भी आ आ सकता ये भी में आ है ठीक है है में 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 चुका ठीक यस अगले आपके आपके आते हैं हैं लिम्फ नोड छोटे-छोटे स्ट्रक्चर होते लोकेटेड द सिस्टम ये किसको ट्रैप करेंगे टिश्यू टिश्यू से में से एंटीजन को कर लेंगे. ऐसे जो में हो चुके वहां पर उनको देखकर yes, अब बात की है उसकी जिस, जिसके पास 50 हिस्सेदारी है. इंटरनल लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक तीन ट्रैक बताई डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी यूरोनोजनाइटल अब तक तुम्हें याद हो चुका है जिसको हमने बोला मॉल्ट कितना परसेंट 50 परसेंट बेटा जी कवरेज लेता है और ये बेटा जी P वाई Q है यस yes. हाँ सुनीता असल में प्यूबर्टी के टाइम सबसे बड़ा होता है थायमस दिस इज द रियलिटी बट यहाँ पर एनसीईआरटी कुछ और बोल रही है तो जो वो बोलेगी हम वो याद करेंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा तुम्हारे पास करेक्ट माइंड लेकिन हमें से लड़ाई नहीं करनी है। NTA, को हमने लड़ना नहीं है वो कह रहे हैं कि यार प्यूबर्टी पे छोटा है, तो हम कह देंगे छोटा है। बट असल में तुमको बताया जो करेक्ट नॉलेज भी तुम्हारे पास होनी चाहिए बच्चों तो यहां पर हमारे हुए समाप्त अब करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी थक तो नहीं गए हैं मेरे बच्चों अभी तो असली शुरू हुआ जंग तो अभी करी नहीं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी यस थकना नहीं है थोड़ी सी लंबी क्लास होगी लेकिन सब चीज़ें करनी है और अन जब भी थकने लगो अनसैट में एनरोलमेंट चेक कर लेना हुआ है कि नहीं हुआ है यस अन सैट में एनरोलमेंट सबका होना चाहिए मैं बारी बारी नहीं बोलूंगी बट मैं सच में जाती हूँ तुम लोग घबराओ मत ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को देखने के लिए क्यों क्योंकि आज अगर तुम एनरोल करोगे तो तुम्हारे पास समय होगा अपने आप को रिडीम करने का लेकिन अगर एनरोल ही नहीं किया डरते रहे कि भैया मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ अगर रैंक मेरा दस लाख आ गया तो दस लाख रैंक आ गया तो मैं क्या करूंगा कोई बात नहीं बेटा आज दस लाख है अभी तुम्हारे पास संभलने के लिए वक्त है मैं बेटा इस हफ्ते इस चैप्टर के बाद एक ऐसी चीज लॉन्च करने वाली हूँ जिसको देख आप लोगों को प्यार हो जाएगा एक ऐसा कोर्स जिसमें हम अगले 60 डेज में 70 डेज में अपने सिलेबस को एक अलग नाइट्रो बूस्टर लगा रहे होंगे लेकिन इस चैप्टर के बाद लॉन्च करूंगी उसको ठीक है जी तो उसके लिए बेटा सामना करना बहुत जरूरी है अपनी उससे घबराओ मत कि मेरे नंबर कम आ जाएंगे आज नंबर कम आए मैं तो कह रही हूं तुमको खुश होना चाहिए तुम्हारे मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं ना खुश हो जाया करो कि यार आज नंबर कम आए लेकिन उसको एनालाइज करो मॉक टेस्ट को देखो कि यार ये क्वेश्चन अगर लाइफ में रिपीट हुआ ना किसी मॉक टेस्ट में कहीं और तो मेरा गलत नहीं होगा ये लेवल ऑफ लड़ाई होनी चाहिए मॉक टेस्ट से डरते रहोगे कि नंबर कम आएंगे मैं टेस्ट ही नहीं देता हूं मैंने तैयारी नहीं की है मैं टेस्ट ही नहीं देता हूं फिर मेरे को डीमोटिवेशन हो गई ऐसे कुछ नहीं होता देर इज नथिंग विच इज कॉल्ड लेस डीमोटिवेशन आपने अपने माइंड में बिठा रखा है सिंपल सी चीज है टेस्ट दो कम नंबर आए जो क्वेश्चन गलत है वहीं के वहीं ऐसा याद किया कि यार अगले दो साल भी तुमको वो चीज ना भूले तो हर टेस्ट अच्छा है हर कम नंबर तुम्हारे लिए अच्छे हैं क्योंकि यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट टेस्ट ये तुम्हारे लिए ऐसी लर्निंग साबित होगी कम आने दो तो नंबर मैं तो कहती हूँ घबराओ मत कम आएंगे तभी बेटा अंदर से एक इच्छा जगेगी कुछ करने की नहीं तो फिर तुम सो सो रहे हो सो तो सब रहे हैं कोई बात नहीं इक्कीस लाख ले सोना ही है यस yes, मेरे बच्चों दो तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है एक जो आपकी बॉडी के ह्यूमर में प्रेजेंट है ब्लड में प्रेजेंट है फ्लूड में प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी यस वन टाइप ऑफ अक्वायड इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड द सेकेंड टाइप ऑफ अक्वाइड इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज सेल मीडियटेड इम्यूनिटी ये मैं समझाती हूँ बहुत बढ़िया सेल मीडियटेड इम्यूनिटी यस ह्यूमोरल इम्यूनिटी And आपकी बॉडी में कौन सा लिक्विड है बताओ दो मेजर लिक्विड है द मेन इज ब्लड एंड द सेकेंड वन इज लिम्फ मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ब्लड की ब्लड के अंदर बेटा कुछ ऐसे सिपाही है मतलब हमने कुछ बॉडी के सिपाही ब्लड में छोड़ रखे हैं ह्यूमर में छोड़ रखे हैं जो तुमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे उन सिपाहियों को हम बोलेंगे तुम ह्यूमोरियल इम्यूनिटी का पार्ट हो जो सिपाही ब्लड में नहीं है ऐसे घूम रहे हैं टिश्यू विशू में प्रेजेंट है लेकिन है वो भी सिपाही वो किसका पार्ट हो जाएंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट हो जाएंगे ठीक है जी तो ह्यूमोर इम्यूनिटी क्या हो गई हिमोरियल इम्यूनिटी में कौन से सिपाही डालेंगे जो कि ह्यूमर का हिस्सा है ह्यूमर यानी कि फ्लूएड किस फ्लूड की बात हो रही है ब्लड की बात हो रही है यानी कि बेटा जी तुम्हारे पास ब्लड वेसल है ब्लड वेसल में ब्लड है ऐसा कौन सा सिपाही है जो ब्लड वेसल में तैर रहा है घूम रहा है दैट इज बी सेल सो so, हिमोरियल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय बी सेल मैंने तुम्हें तो बोला ना बॉडी के दो मेजर सिपाही हैं पहला सिपाही है बी सेल दूसरा सिपाही है टी सेल तो बी सेल जो है ये ब्लड में घूमता रहता है ह्यूमर में घूमता रहता है और उस ह्यूमर में रहकर गोलियां चलाता है मारने के लिए किसको मारना है एंटीजन को मारना है ठीक है वो जो गोली चलाता है इस गोली को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी क्या बोलते हैं एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी क्या हुई सिपाही की बंदूक से निकली हुई गोली सिपाही कौन है बी सेल कहाँ रहता है ब्लड में ब्लड क्या है ह्यूमर तो ये कौन सी इम्यूनिटी का पार्ट हो गया इम्यूनिटी का पार्ट हो गया तो अल्टीमेटली बी सेल जो कि सिपाही है, ये ब्लड में क्या बनाते हैं मारने के लिए गोली चलाते हैं गोली यानी कि एंटीबॉडी चलाते हैं इसी वजह से इस ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल सकते हैं यस और नो बताना क्या इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोला जा सकता है यस और नो क्यों क्योंकि बेटा ह्यूमर में गोलियां ही तो चल रही हैं गोली कौन चला रहा है बी सेल चला रहा है क्या नाम है इसका एंटीबॉडी है गोली का तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हुई सिंपल तो कौन सा सिपाही ब्लड में घूम रहा है बी सेल उसकी कौन सी गोली ब्लड में घूम रही है एंटीबॉडी घूम रही है अब बेटा जी मेरे पास दो तरीके के बी सेल होते हैं ठीक है मेरे पास दो तरीके के बी सेल होते हैं कौन से बी सेल होते हैं एक होते प्लाज्मा सेल जो असल में लड़ने के लिए आते हैं मतलब ये रियल सिपाही है ठीक है ये रियल सिपाही है चार पांच दिन रहता है इसके ऊपर कोई रिसेप्टर नहीं होता सबको मारता है सबको गोली से दुख 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 करता रहता है ठीक है जी चार पांच दिन रहता है फिर उसके बाद एंटीबॉडी बना के गोलियां वोलियां चला के अपना गायब ठीक है जी यस अब कुछ ऐसे बी सेल होते हैं जो कि सेंसिटिव हो चुके हैं मतलब कुछ ऐसे सिपाही हैं जैसे बेटा सेंसिटिव हो चुके हैं ना हमारे सिपाही कुछ सिपाही कहते हैं मैं पानी में रहता हूं, तो मैं नेवी का हिस्सा हूं। मैं पानी वाले दलों को ही मारूंगा फिर एक सिपाही कहता है मैं हवा में रहता हूँ का हिस्सा हूँ उड़ने वाले जहाजों को ही मारूंगा फिर एक कहता है मैं आर्मी का हिस्सा हूँ मैं नीचे लैंड पे रहता हूँ मैं लैंड वाले सिपाहियों को ही लैंड वाले आतंकवादियों को ही मारूंगा वैसे ही बेटा ये प्लाज्मा और मेमोरी भी सेल है प्लाज्मा सेल कहते हैं मैं किसी को भी मार लूंगा मेरा कुछ वो नहीं है चार पांच दिन रहूंगा और गोली गोली चला के निकल जाऊंगा लेकिन कुछ प्लाज्मा सेल बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी सेल में इनको हम लोग बोलते हैं मेमोरी बी सेल ये किसी को भी नहीं मार लेते इनके ऊपर इनके ऊपर बेटा जी रिसेप्टर आ जाता है इनको पता है कि मुझे किसको मारना है मतलब ये आर्मी नेवी या अपना एयरफोर्स में बाइफरकेट हो जाते हैं अब आर्मी वाले आके तो बेटा जहाज चला के एयरफोर्स में नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे ना वैसा है बेटा मेमोरी बी सेल सेंसिटिव बी सेल है इनका लाइफ स्पेन सालों तक रहता है यस दे स्टे फॉर इयर्स ये बेटा जी टू चार पा, से पांच दिन के मेहमान होते हैं फिर बेटा जी इन्हीं में से कुछ क्या बन जाते हैं मेमोरी सेल्स ये बेटा इयर्स तक रहते हैं जिंदा ठीक है जी यस yes, इयर्स तक रहते हैं मतलब ये मेमोरी बन रही है हमारी बॉडी की कि एक बारी मान लो कोई एंटीजन आया प्लाज्मा सेल ने उसको मार दिया लेकिन कुछ प्लाज्मा सेल उसके मेमोरी सेल बन के बैठे रहे बॉडी में कि भाई तू दोबारा आएगा मैं तुझे पहचानता हूं तू दोबारा आया तो मैं तेरे को मारूंगा अब नए प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगे ठीक है समझे बेटा इस कॉन्सेप्ट को यस इस कॉन्सेप्ट को समझ गए बेटा जी बेटा जी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलती है सीप पाउजा बायोलॉजी के नाम से सारी आज तक की पीडीएफ आपको वहां मिलेंगी और मेरे लिंक ट्री पर मिलती है गूगल पे डालो सीप पाउजा लिंक ट्री सीप पाउजा वहीं से टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाता है लिंक ट्री ठीक है डालोगे मिल जाएगा वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ भी ले लेना बट लिखोगे अपने हाथ चलाओगे कि नहीं चलाओगे सारा कुछ बना बनाया चाहिए पेपर भी दे आती हूँ मैं तुम्हारा ठीक है अब थोड़ी देर बाद बच्चे मुझे बोलेंगे जब अभी तो छः महीने बचे हैं तो इनको लग रहा है पेपर हम दे सकते हैं जब कहीं तीन महीने बचे हुए तब तो आके ये भी बोल देंगे मैम आप पेपर दे आओ तीन सौ साठ नंबर तुम्हारे आई जाएंगे ठीक है बाकी हम मैनेज कर लेंगे Yes. चलिए है cell -mediated immunity. यानि कि वो सिपाही हैं जो ब्लड में नहीं बैठे जो ऐसे बॉडी में टिश्यू विशू में इधर उधर बैठे ब्लड वेसल का हिस्सा नहीं है सेल मीडियटेड इम्यूनिटी एंड यहां पर कौन सा सिपाही है मेजर इट इज प्रोवाइडेड बाय टी सेल बोला था ना बॉडी के दो मेन सिपाही बी और टी बी कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है टी कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बहुत सारे तरीके के टी सेल्स होते हैं बेटा बहुत सारे तरीके के टी सेल्स होते हैं मैं मेजर चार के नाम लिख रही हूं पहले सेल का नाम है टी के सेल्स यस के सेल्स के सेल्स टी किलर सेल्स टी के सेल्स क्या है टीका नहीं है बेटा ये टी किलर हैं टी किलर सेल साइटोटॉक्सिक सेल इनको साइटोटॉक्सिक सेल भी होते बोलते हैं ये बेटा जी इन्वॉल्व है ग्राफ्ट रिजेक्शन में मैं थोड़ी देर में बताऊंगी मुझे याद कराना एक बारी के लिए दिख लो अभी बताऊंगी थोड़ी देर में ग्राफ्ट रिजेक्शन में और ये भी चुलबुल पांडे की तरह मारते हैं दबंग सब ने देखी है छेदा छेदा कर देंगे इतने सारे छेदों में सब पानी अंदर घुस जाएगा और सेल फट जाएगा ठीक है दैट इज किलर सेल दे एक्चुअली किल ये मारने आते हैं मारते हैं इसकी मदद कौन करता है इन सब में इनकी मदद करते हैं बेटा टी हेल्पर सेल टी एच सेल ये मददगार सेल है नाम से ही क्लियर है यस मेरे बच्चों इनका नाम है टी हेल्पर सेल ठीक है जी ये किस किस की मदद करते हैं तुम देखना अभी मैं बनाती हूं बेटे टी हेल्पर सेल इसकी मदद करेगा और टी हेल्पर सेल बी सेल की मदद करते है. मददगार सेल है ये अपने भाई की रियल भाई की तो मदद करती है टीके सेल्स की साथ ही बेटा दे ऑल्सो हेल्प बी सेल इन मेकिंग एंटीबॉडी दूसरे सिपाही को भी मदद करेंगे कि भाई इस तरीके से तू बना ले ठीक है जी और कौन से सेल्स हैं और है बेटा जी मेरे पास टी सुप्रेसर सेल्स टी सुप्रेसर सेल्स जो दोनों को काबू में रखते हैं और इसमें भी क्या बनते हैं मेमोरी सेल्स बनते हैं दैट इज मेमोरी सेल्स जैसे बी सेल में बनते हैं ना इनकी मेमोरी होती है जो सालों साल ये रहते हैं और पुराने वाले एंटीजन को पहचानते हैं यस yes, मेरे बच्चों ईमानदार तो हैं ये तो बात है बॉडी में सब लोग ईमानदार हैं बेटा वो तो हम लोग बुरे इसलिए हुए कॉम्पिटिशन आ गया बॉडी में कॉम्पिटिशन नहीं है सब ईमानदार है समझ गए यस yes, मेरे बच्चों चलिए तो ये बात गई टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आप याद रखेंगे दो तरीके की इम्यूनिटी मैंने आपको बताई ह्यूमोरल जो कि ब्लड में हो रही है देन सेल मीडिएटेड ह्यूमोरल इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी डन बाय परफॉर्मड बाय बी सेल क्योंकि बी सेल ही एंटीबॉडी बनाते हैं ठीक है लेकिन इन बी सेल्स की मदद कौन करता है सेल मीडिएटेड के टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को शॉर्ट फॉर्म में बेटा जी सी एम आई भी बोलते हैं सी एम आई बोल सकते हैं या फिर टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको और क्या बोल सकते हो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना क्योंकि बेटा इट इज परफॉर्मड बाय टी सेल ओनली चार तरीके के टी सेल बनाए बताए जो मारता है वो टी किलर सेल्स है उसकी जो मदद करता है वो टी हेल्पर सेल है 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 ठीक जी ये इसकी मदद करता है। और बेटा जी इसकी मदद करता है सिंपल चलो सिपाही हो गए सिपाही और हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कर ली गोलियां कर ले क्या थी गोलियां बताना सिपाही कौन सी गोली चला रहे थे बी सेल चला रहे थे ना नाम बताओ गोली का हाँ जी नाम बताओ कोई फायदा नहीं होगा मिस्टर एन जी क्रिएशन कोई फायदा नहीं होगा क्लास इलेवेंथ का ही तो बेटा सरप्राइज है आप लोग चाहते हो ना क्लास इलेवेंथ चालू हो बताओ कितने बच्चे चाहते हैं क्लास इलेवंथ चालू हो बताना सब चाहते हैं क्लास इलेवेंथ चालू हो हम ऑलमोस्ट क्लास ट्वेल्थ कर चुके हैं अगर आप मेरे प्लस के बच्चे हैं तो तो कर ही चुके हैं और अगर आप सिर्फ यूट्यूब देखते हैं तो हमने रिप्रोडक्शन को होल्ड पे रखा हुआ है बाकी हम सारा कर चुके हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेजर मेजर यस yes. है ना और कितना क्लियर लिखे बेटा इससे क्लियर नहीं हो सकता मुझे लगता है माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड मे बी बट इट्स क्लियर समझ तो आता है क्या पढ़ रहे हो यार ऐसा तो नहीं है ऐसा मत करो कितना साफ लिखे और कितना साफ लिखूं बेटा यही है बेस्ट ये मेरा बेस्ट है जो मैं कर रही हूं अगर मैनेज होता है तो ठीक है नहीं तो छुट्टी कोई बात नहीं कहीं और से कर लो है ना बट तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए टाइप्ड पीपीटीज लेके आऊं लिखा लिखा है लेके आऊं और यहां आके हाईलाइट करूं यहां आके उसको रीड करूं उससे तैयारी नहीं होती बेटा कि सामने एनसीईआरटी रख दी और इसको रीड कर रहे हैं रीडिंग तभी समझ आएगी जब लिखोगे नहीं तो वो तो धोखा है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा है, है? चलिए इलेवेंथ बेटा अब मैं शुरू कर रही हूं इसके बाद लाइव वो थोड़ा राज का मेरा पार्ट था लेकिन पहले चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद काफी बड़ी अनाउंसमेंट मुझे आपके लिए करनी है वो हम यहां कर रहे होंगे डोंट वरी यस जिसको बहुत जल्दी है कि मैं चाहती हूं ये हो मैं चाहती हूं प्लांट फिजियोलॉजी हो मैं चाहती बेटा अगर आप कुछ चाहते हैं अपनी पसंद का जो यहाँ नहीं हो रहा है तो मेरा लिंक है ना उससे करो ना इलेवेंथ में जाओ प्लांट फिजियो बेस्ट कराई हुई है वहां पर तुम्हें लेकिन अगर आप मेरे स्पीड से मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो मेरा ऑर्डर बेटा कुछ कुछ और है है अभी प्लांट फिजियो नहीं बच्चे जानते हैं कि ऑर्डर क्या है बट हां गोलियों की बात कर रहे थे गोलियां ले क्या हो गोलियां लेके आओ यार थी एंटीबॉडी इन्हीं को बोला था बेटा गोलियां किसने बनाई थी बी सेल के टी सेल बताओ गोली किसने बनाई थी बी सेल ने बनाई थी लेकिन मदद किसने की थी टी सेल ने करी थी अब हम करने वाले हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या करने वाले हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज क्या होती है, होते हैं. क्या होती है? होते हैं. जी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आपको दो हैवी चेन्स मिलती हैं और दो लाइट चेन्स मिलती हैं तो आ जाओ फटाफट -फट से इन ग्लाइकोप्रोटीन का मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं यस yes, मेरे मेरे साथ बनाइए सब बच्चे बनाएंगे दो हैवी चेन ये देखिए येस दो हैवी चेन एंड बेटा जी मेरे पास रहती हैं दो लाइट चेन्स ये व्हाइट कलर की मैंने क्या बनाई है लाइट चें दिख रही हैं सब बच्चे बना लो मेरे साथ साथ वी आर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी गाइज हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं मैंने बोला एक एंटीबॉडी में दो हैवी चेन है ये जो येलो कलर का मैंने बनाया है ये येवी चेन है और जो मैंने व्हाइट कलर का बनाया है ये क्या है आपका लाइट चेन है सिंस इसमें दो हैवी चेन और दो लाइट चेन है तो क्या मैं इसको एच टू एल टू नहीं बोल सकती बोल सकती हूँ एच टू मतलब टू हैवी चेन एल टू मतलब टू लाइट चेन ये हेवी चेन्स लाइट चेन बनी कैसे है यहाँ लिखा हुआ है प्रोटीन प्रोटीन किससे बनता है अमाइनो एसिड से यानी कि ये चेन्स अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनी है बिल्कुल जुड़ने से बनी है कितने अमाइनो एसिड है अगर बेटा जी मैं यहाँ पर देखूं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन हेवी चेन बड़ी है थोड़ी सी तो ज्यादा अमाइनो एसिड होंगे अराउंड 450 अमाइनो एसिड है अगर मैं देखो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन लाइट चेन छोटी है तो बेटा 220 अमाइनो एसिड यहां पर होंगे ए ए का क्या मतलब है ए ए का मतलब है अमाइनो एसिड ठीक है तो यहां पर 450 और यहां पर कितने हैं आपके 220 अमाइनो एसिड ठीक है अब अगर आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद हो अभी मैंने अपने प्लस वाले बच्चे को ताजा ताजा बायोमोलिक्यूल कराया है जब आप जानते हैं कि बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे लाइन में जुड़ जाते हैं तो वो प्रोटीन बनता है अगर आपको याद हो क्ला, क्लास इलेवेंथ याद हो तो यार आपको पता है ये एक टर्मिनल इसका एन टर्मिनल होता है जहां एन ग्रुप होता है और एक टर्मिनल बेटा जी सी टर्मिनल कहने आता है जहां सी ग्रुप होता है याद आया बताओ एक प्रोटीन का एक कोने का अमीनो एसिड का एनएच2 ग्रुप फ्री होगा लेफ्ट वाले का और राइट वाले का सीओएच ग्रुप होगा तो दिस वन वुड बी कॉल्ड एज एन टर्मिनल और इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग सी टर्मिनल यस और नो फटाफट से बता दो तो वैसे ही बेटा ये भी तो प्रोटीन की ही चेन है प्रोटीन की चेन है तो इसका भी कोई ना कोई एन टर्मिनल होगा हां ये बेटा जी इसके एन टर्मिनल है इसका भी सी टर्मिनल होगा हां

टू पार्ट इसको भी हाफ कर लो एंड यहां पर इसको भी हाफ कर लो ठीक है ये वाला जो हिस्सा होता है ना बेटा एंटीबॉडी का दिस हिस्सा ऑफ द एंटीबॉडी इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एंटीजन मतलब बैक्टीरिया आएगा तो ये हिस्सा अलग होगा उसको मारने वाला वायरस आएगा तो अलग होगा फंजाई आएगा तो अलग होगा प्रोटोजो आएगा तो अलग होगा लेकिन इतना हिस्सा क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है इतना हिस्सा बेटा जी क्या रहता है कांस्टेंट तो जो ऊपर हाफ आपको इतना हिस्सा दिख रहा है ये दिस एंड दिस ये वो हिस्सा है एंटीबॉडी का जिस हिस्से पर एक्चुअली में एंटीजन चिपकता है एंटीजन दुश्मन एंटीबॉडी गोली बनाई किसने सिपाही सिपाही कौन है बी सेल मैं बारी-बारी इसीलिए बोल रही हूं ताकि तुम्हारे माइंड में रजिस्टर हो जाए अब गोली कहीं तो जाकर दुश्मन पे लगेगी दुश्मन कौन है एंटीजन तो गोली का कौन सा हिस्सा दुश्मन के अंदर जाता है तुम बोलोगे गोली का ये वाला हिस्सा दुश्मन के अंदर जाता है दिस इज दिस इज द वेरिएबल पार्ट ये कौन सा पार्ट है वेरिएबल पार्ट है वेरिएबल क्यों बोला वेरिएबल इसीलिए बोला क्योंकि हर एक के लिए अलग गोली बनाई है हमने बैक्टीरिया के लिए अलग है वायरस के लिए अलग है इसीलिए ये हिस्सा डिपेंड करता है कि यार दुश्मन कौन है यानी कि मान लो मेरा दुश्मन है बैक्टीरिया ऐसे जुड़ जाएगा दुश्मन देख रहे हो ये दुश्मन है ठीक है दुश्मन को क्या बोलते हैं एंटीजन तो एंटीजन एंटीबॉडी के कौन से हिस्से से जुड़ता है तुम बोलोगे एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर वाले वेरिएबल हिस्से से जुड़ता है यस और नो वेरिएबल हिस्से से जुड़ता है एंटीबॉडी का वो हिस्सा जहां पर एंटीजन जुड़ता है इस हिस्से को हम बोलते हैं एपिटोप सॉरी पैराटोप इस हिस्से को बेटा जी हम क्या बोलते हैं पैराटोप पैराटोप किसकी साइट है, किस है? एंटीबॉडी या एंटीजन की तुम बोलोगे पैराटोप एंटीबॉडी की साइट है हिंदी में लिख रही हूं एंटीबॉडी की साइट है इस एंटीबॉडी की साइट पर एंटीजन जाकर जुड़ता है दुश्मन जुड़ता है एंटीजन के हिंदी में लिख लो दुश्मन मैं तेरी दुश्मन दुश्मन समाना कम नहीं कम नहीं है ना कम नहीं है ये भी अच्छा अब दुश्मन तो यार इतना बड़ा है दुश्मन का कुछ हिस्सा ही एंटीबॉडी से जुड़ेगा ये जो हिस्सा दुश्मन का एंटीबॉडी से जुड़ रहा है इसको बोलते हैं एपिटोप मतलब एपिटोप किसकी साइट है तुम बोलोगे एपिटोप बेटा जी दुश्मन की साइट है इट इज एंटीजन की साइट समझ गए मेरे yes, बच्चों तो एंटीबॉडी के पास क्या होते हैं पैराटोप होते हैं एक एंटीबॉडी के पास कितना पैराटो दिख रहा है एक दो दो पैराटोप होते हैं एक एंटीबॉडी के पास इन दो पैराटोप के साथ कौन जुड़ता है एंटीजन एंटीजन की कौन सी साइट जुड़ती जुड़ती है एपिटोप तो एपिटोप ऑफ एंटीजन बाइंड्स विद पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी यस मेरे बच्चों ठीक है? Yes. है अच्छा ऊपर वाला हिस्सा तो यार मेरा वेरिएबल हो गया जो कि जाके दुश्मन से जुड़ता है कोई दिक्कत नहीं है तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या है नीचे वाला हिस्सा है कॉन्स्टेंट ये सबके लिए कॉन्स्टेंट रहता है कांस्टेंट रीजन ये क्रिस्टलाइज हो जाता है इसीलिए इसको बोलते हैं एफसी सेगमेंट फ्रैगमेंट विच कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एफसी ऊपर वाले हिस्से का नाम है एफएबी ऊपर वाले हिस्से का नाम है एफएबी यानी कि ये वो फ्रैगमेंट है जो कि एंटीजन बाइंडिंग है ए बी एंटीजन बाइंडिंग ए बी एंटीजन बाइंडिंग एफएबी फ्रैगमेंट व्हिच इज एंटीजन बाइंडिंग सिंपल तो एफएबी इतना हो गया

यानी कि जहां भी मैं बॉन्ड बनाऊंगी तो समझ जाना ऐसे दो ऐसे होंगे दो ऐसे होंगे मैं लिखूंगी नहीं बारी बारी बट बनाने वाली हूँ तो कहां, कहां पर है इसी कलर से बनाएंगे तो वन प्रेजेंट है थ्री देने पर प्रेजेंट है फोर फिर बेटा जी एक बीच में प्रेजेंट है फाइव पांच हो गए पांच उधर तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव टोटल कितने हो गए टेन हो गए पांच मैंने इधर बनाए पांच इधर बनाए दस हो गए अब टेन हो गए इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन हो गए फिफ्टीन एंड सिक्सटीन तो टोटल कितने हो गए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एक एंटीबॉडी में कितने हो गए मेरे पास हो गए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एक एंटीबॉडी में कितने पैराटोप हुए बताओ वन एंटीबॉडी इज इक्वल टू हाउ मेनी पैराटोप पैराटोप बताया ना एंटीबॉडी की वो साइट जिसके साथ एंटीजन का एपिटोप जुड़ता है यस yes, एक एंटी anti एंटीबॉडी के पास कितना पैराटोप बिल्कुल सही है वन एंटीबॉडी इज हैविंग टू पैराटोप्स दिख रहे हैं हमें ये एक ये दो ठीक है जी तो ये बात हो गई आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी क्या कभी भूलोगे इस स्ट्रक्चर को यस yes, मेरे बच्चों क्या कभी भूलोगे तो अगर वो तुमसे पूछे विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी वेरीज विद द एंटीजन जो एंटीजन के हिसाब से बदलता रहता है तुम बोलोगे एफ ए क्योंकि वेरिएबल रीजन है ये वाला हिस्सा एंटीबॉडी के हिसाब से बदलता रहता है ठीक है जी सॉरी एंटीजन के हिसाब से बदलता रहता है नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टेंट रीजन हमारे पास टोटल पांच तरीके की एंटीबॉडी है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टेंट रीजन हमारे पास टोटल पांच तरीके की एंटीबॉडी अच्छा बना लिया बना लिया मेरे बच्चों पानी पी लो अब हम करने वाले हैं क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी कॉफी पी रहे हैं काफी रॉयल हो बेटा आप है ना जो कॉफी पी रहे हैं आपको पता है ना बेटा मोर देन ग्लास पर डे इज़ रियली नॉट गुड फॉर यू ठीक है बो बिल्कुल अच्छा नहीं है अगर आप एक ग्लास से ज्यादा कैफीन लेते हैं तो ठीक है एक ग्लास से ज्यादा कैफीन लेते हैं आपको नहीं लेना चाहिए बड़े 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 हरकतें मत करिए बेटा दूध पिया करो अभी आप इतने बड़े थोड़े हुए कि आपको कॉफी के इनटेक की जरूरत है आप तो ऑलरेडी इतने एनर्जेटिक हैं हमारे जैसे बूढ़े लोगों को कॉफ़ी पीनी चाहिए कि भैया एनर्जी खत्म हो गई है थकान हो रही है कॉफी पी रहे है नींद आ रही है आप लोग 16-17 साल के हैं आपको कैसे नींद आएगी नहीं आ सकती यू गाइज आर हाईली एनर्जेटिक वेरी यंग यंग पीपल डू नॉट नीड कॉफी टू स्टिमुलेट दियर नर्वस सिस्टम कभी कभी चलता है आपको तो बेटा दूध पीना चाहिए दूध पीजिए इट्स अ कम्प्लीट मील दिन में दो बार ही पीजिए सुबह भी पीजिए शाम को ही पीजिए चाय कॉफी से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपकी बेहतरी नहीं तो बाद में डॉक्टर छुड़वाते हैं आप तो खुद डॉक्टर बनने वाले हैं आपको क्या बोले <coughs> हैं बेटा मैंने सब कराया हुआ है बैच वैच का नाम मेरे से मत पूछा करो कि आपने प्लांट किंगडम कराया निश्चय बैच में बैच में बेटा मैंने बोला बैच का नाम बदलता है आज ये शिखर है हफ्ते बाद मैं इसका नाम एंड गेम कर दूंगी

इट्स ओके okay. हमारा फ्लो को कोई नहीं तोड़ सकता हमारे इंटेंशन को फोकस को कोई नहीं तोड़ सकता हमारा फोकस आज से शुरू नहीं हुआ अब तुम देखोगे बेटा यूट्यूब पे भीड़ लग जाएगी भीड़ लग जाएगी कि हम सिलेबस कराएंगे हम सिलेबस कराएंगे हम आए हैं बेटा आप छह महीने कहाँ थे द थिंग व्हिच मैटर्स इज नॉट कि तुम्हें लास्ट तक लास्ट में आके तुम्हारा हाथ कौन पकड़ रहा है द थिंग विच मैटर्स इज कि तुम्हारा हाथ स्टार्टिंग से किसने पकड़ रखा है जो तुम्हें एंड तक छोड़ के आएगा और ये मैं नहीं ये पिछले तीन साल की ऑनलाइन एजुकेशन की हिस्ट्री बोलती है सारे सेशन सबके पढ़े आप किसी का भी कोई डेट सेशन पीडीएफ जाके देख सकते हो और ये मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ बहुत प्राउड है मुझे इस चीज पर क्योंकि सब नहीं कर सकते सबका बस का है ही नहीं लास्ट में तो सब आ जाएंगे कि मैं हाँ मैं कराऊंगा मैं क्रैश कोर्स ये क्रैश कोर्स वो फास्ट ट्रैक बेटा स्टार्टिंग से कौन था 2020 की बात है बेटा हमारे बैच का नाम था नीट थ्री नीट फिर मेधावी रखा, रखा ये हमारे क्रैश कोर्स नहीं थे ये हमारे डिटेल्ड कोर्स थे जो नीट के एग्जाम के अगले हफ्ते ही शुरू हो जाते हैं जैसे हमारा शिखर बैच चल रहा है आज इस बार इसका नाम शिखर है तो इट इट इट्स नॉट लाइक मैं आपको बता रही हूँ भीड़ कब आती है यूट्यूब पे जब आप आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता आपको लगता है कि यार क्रैश कोर्स से होगा लेकिन क्रैश कोर्स से नहीं होता है जो बच्चा शुरू से जुड़ा हुआ है ना जो टीचर आपके साथ शुरू से जुड़ा हुआ है वो चीज मायने रखती है है ना कंसिस्टेंसी मायने रखती है मैं तुम्हें आके कैसे बोल सकती हूँ कि तुम कंसिस्टेंट हो जाओ जब मैं ही कंसिस्टेंट नहीं हूँ इफ ए टीचर इज नॉट कंसिस्टेंट वो तुम्हें आके कैसे कंसिस्टेंसी का ज्ञान दे सकता है नहीं दे सकता उसको कोई हक नहीं है ठीक है जी तो इसीलिए अपने गुरु का चयन आप उस हिसाब से करेंगे पढ़ाते सब अच्छा है मैं तो हमेशा बोलती हूँ देर एप टू गुड टू गुड एवरी वन इज टू गुड एवरी इंस्टीट्यूट एवरी टीचर इज डूइंग रियली योर बेस्ट बट यू हैव टू फाइंड आउट हु इज योर बेस्ट ठीक है जी सही कह रहा है लास्ट में जो बच्चे आते हैं वो क्रश होने आते हैं और लास्ट में जो टीचर आते हैं अचानक से अभी एक्टिव हो जाएंगे तुम देखना एक हफ्ते में एक हफ्ते में बेटा ऐसा लगेगा जैसे भौचाल आ गया है पेपर अभी आ रहा है और फिर एक महीने बाद फिर डाउन खरगोश है बेटा खरगोश कभी रेस नहीं जीता है रेस कछुआ जीतेगा वो थोड़ा चलेगा धीरे धीरे चलेगा कभी कभी चलेगा लेकिन शुरुआत से आखिर तक चलता रहेगा वैसे ही आपको भी अपनी प्रिपरेशन में खरगोश नहीं बनना है कि अभी क्रैश कोर्स शुरू हुआ एनर्जी आई मेरे में एक महीना मैंने फाड़ के तैयारी की उसके बाद क्या थक के आर के गिर जाओगे और कॉफियों के पीछे भागोगे कछुआ बनिए बेटा शुरुआत से लगे हुए हो बस लगे रहो धीरे धीरे लगे रहो दौड़ना नहीं है हमने दौड़ते बेटा वो है जो अभी तक सो रहे थे तुम तुम लोग लोग सो नहीं रहे थे। तुम लोग धीरे धीरे कर रहे थे मुझे तुम पे ट्रस्ट है मैंने तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट लिए हैं मैंने तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस कराई है आगे भी मैं डबल प्रैक्टिस कराने वाली हूँ अब ऑल इंडिया लेवल टेस्ट से यू से अनसैट से प्रैक्टिस कराने वाली हूँ तो आई नो वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ खरगोश एंड वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कछुआ तो लाइफ में खरगोश नहीं बनना है जैसे अभी सब बनने वाले हैं, कुछ टाइम में थोड़ा सा हंस लेना हंस के बोलना कि भाई तुम्हारी जिंदगी तो वैसी बर्बाद है तुम उस इक्कीस लाख का हो और मैं उस एक लाख का पार्ट हो क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैंने मई में शुरू किया था मैं जून में सीरियस हो गया था तो मैं तुमसे आगे हूं तुम कितना तेज दौड़ लो मेरे बराबर नहीं आ पाओगे ठीक है यस टोटल बेटा वी हैव फाइव क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी पहली है एंटीबॉडी है बेटा जी मेरे पास आई जी ए दूसरी है बेटा जी आई जी डी तीसरी है आई जी जी आई जी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन देन है आई जी एम एंड देन है आई जी ई ध्यान देना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी सबके आई जी लिख देती हूँ पहले आई जी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन इसको याद करने का तरीका भी है जैसे बेटा एक वर्ड होता है गेम्ड गैमेट बोल लो गेम्ड बोल लो तो गेम्ड में तुम देखोगे जी ए एम ई डी आई जी जी आई जी ए आई जी एम आई जी ई एंड आई जी टी अच्छा अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखी आई जी ए के बारे में क्या खास बात है मैं सारी खास बातें पर लिख रही आई जी जी मोस्ट अबंडेंट है मोस्ट अबंडेंट मतलब कितना परसेंट है पचहत्तर परसेंट बेटा आपकी बॉडी में जो इमिनोग्लोबलिन है वो आई जी जी है तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पंद्रह से 20 परसेंट बेटा जी किसका कंट्रीब्यूशन का इसीलिए इसको एंटीबॉडी भी इसको एंटी बोला जाता है ए भी मतलब एंटीबॉडी ये वो एंटीबॉडी है बेटा जो मदर के फर्स्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है सीन इन कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम पता है ना ब्रेस्ट मिल्क फर्स्ट मिल्क जो बच्चे के जन्म के बाद पहले एक दो दिन मिल्क आता है गाढ़ा सा येलो कलर का उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम तो कोलेस्ट्रम में बच्चे को बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है उस एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं सीक्रेटरी एंटीबॉडी ये जो एंटीबॉडी है बेटा जी ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जरा ध्यान देना ये देखिए अभी मैं जूम करके दिखाती हूँ बीच में जे प्रोटीन यस बेटा ये देखिए क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार दो एंटीबॉडी ये एक एंटीबॉडी है चेन, चेन, लाइट ये दूसरी एंटीबॉडी है, हैवी चेन लाइट चेन और बीच में बेटा जी जे चेन से जुड़ी हुई है दिस ब्लू वन इज कॉल्ड एज जे चेन यस तो यानी कि ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो दो की दो की दुगड़ी जैसे तीन की तिगड़ी होती है दो के मतलब ग्रुप में रहती है टू के ग्रुप में रहती है इसीलिए इसको बोला जाता है इसीलिए बेटा आई जी ए को बोला जाता है डाइमर क्या बोला जाता है डाइमर तो जरा बताओ इसके कितने पैराटोप हो गए दो की दुग्गी कुछ भी बोल लो हाँ दुग्गी भी हो सकता तिकी है दुग्गी तिक्की बोलते हैं तो डाइमर की फॉर्म में रहती है इसके कितने पैराटोप हो गए अगर कोई पूछे आई जी ए के पैराटोप बताओ एक दो तीन चार यानी कि इसके पास फोर पैराटोप्स है।, है? है तो ये बात आपको याद रखनी है सिक्रिटरी एंटीबॉडी कॉप्रो एंटीबॉडी क्योंकि बेटा ये फीसिस में भी होती है आईजीडी के बारे में बहुत कम बात है ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है कम होता इसका amount है इसका अमाउंट भी दिस इज बाउंड एंटीबॉडी ये नॉर्मल है यूनिम मतलब मोनोमर के फॉर्म में ही रहती है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी यानी कि इसके पास टू पैराटोप ही होंगे ठीक है टू पैराटोप ही होंगे देन आते हैं आईजीजी आईजीजी के बारे में बहुत सारी खास बात है पहली खास बात हम लिख चुके हैं इट इज द मोस्ट अबंडेंट वन ये भी बेटा जी मोनोमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है मोनोमेरिक फॉर्म का मतलब है इसके पास भी दो पैराटोप होंगे ठीक है दो पैराटोप होंगे दूसरा इसकी खास बात है आई जी जी वो एंटीबॉडी है विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा जिसने मेरे से रिप्रोडक्शन पड़ा हुआ है उसको पता है प्लेसेंटा क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है प्लेसेंटा क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी होती है आई जी जी इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा ठीक है जी यस बस इसके बारे में ये खास बात है आई जी एम के बारे में बात करें ये साइज में सबसे बड़ी है यहाँ के लिख दू यस इट इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी लार्जेस्ट एंटीबॉडी अमाउंट में नहीं बेटा अमाउंट में तो कौन सी बड़ी है आईजीजी का अमाउंट सबसे ज्यादा है लेकिन साइज में सबसे बड़ी आईजीएम है कैसा है साइज में बड़ी जरा कोई बताए हमें साइज में कैसे बड़ी है ये देखिए कैन यू सी मैं क्या बना रही हूं ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया यस yes, साइज में सबसे बड़ी है यानी कि ये मोनोमर नहीं है ये डाइमर नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव ये पेंटामर है यानी कि इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटामर अगेन इन पांचों को जोड़ने वाला सेंटर में जो है वो जे चेन है यहां पर भी इसका नाम क्या है जे चेन अगर ये पेंटामर है तो कितने पैराटोप यस yes, मेरे बच्चों कितने वेरी गुड मिस्टर अरे इसने नाम ही अपना आईजीएम रख लिया इसके कितने पैराटोप हो जाएंगे एक के दो थे तो पांच के दस पैराटोप हो जाएंगे इट हैज गॉट ठीक है इट इज इनवॉल्व इन इट इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी रिस्पॉन्स मैं थोड़ी देर में बताने वाली हूं लिख लो अभी ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का हिस्सा ये है प्राइमरी रिस्पॉन्स आई की वजह से आता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बेटा जी आई की वजह से आता है यस yes. प्राइमरी रिस्पॉन्स टू आई सेकेंडरी रिस्पॉन्स ड्यू टू आई जी चलिए अब चलते हैं लास्ट वाली आई आईजीई की बात करें तो यार एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है बस एक ही लाइन इसके बारे में याद रखना एलर्जी जी आईजीई. मेरे साथ बोलो एलर्जी जी जी आईजीई इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू है कि एलर्जी के केस में कौन सा एंटीबॉडी आता है तो तुमको याद होना चाहिए एलर्जी के केस में आईजीई आता है तो कैसे बोलेंगे एलर्जी जी जी ये हो गई बेटा आपकी पांच तरीके की एंटीबॉडी आई जी जी आई जी एम गेम्ड सारी इंपॉर्टेंट चीजें गैमेट बोल लो गेम्ड बोल लो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा जी मैंने आपको इसकी यहां पर बता दी हैं अब ये एंटीबॉडी गोली है चलाई किसने सिपाही ने सिपाही कौन था बी सेल बी की मदद किसने की थी टी ने मदद की थी जब ये गोली चली तो दुश्मन को कैसे मारेगी यस yes, गोली चली है तो मारेगी हाँ मारेगी कैसे मारेगी दुश्मन को हाउ दिस एंटीबॉडी किल दुश्मन बड़े अच्छे तरीके है बेटा जरा फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी हाँ जी बेटा कैसे मारा जा सकता है दुश्मन को पहले झुंड बना के दुश्मन के अराउंड खड़े हो जाते हैं और कंबल पिटाई करते हैं उसकी है ना एक दुश्मन दस सिपाही सब मिलके कंबल पिटाई कर रहे हैं यानी कि यानी कि पहला तरीका है कि चिपक जाओ दुश्मन से जाके चिपक जाओ और फिर उसको मार मार के दो दो चिपकने वाले तरीके को हम लोग बोलते हैं ए ग्लुटिनेशन ए ग्लुटिनेशन आई जी एम बेसिकली बेटा चिपकता है यानी कि जाके दुश्मन के साथ चिपक जाना और तब तक ना छोड़ना जब तक वो मरे ना ठीक है जी यस चलिए पहला है एक लुटिनेशन एक लुटिनेशन करने के बाद आप उसको खा भी सकते हो दुश्मन को खा लो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन ऑप्शोनाइजेशन मैक्रोफाच बेटा जी करते हैं आईजीजी भी क्या करती है ऑप्शनाइजेशन करती है बहुत दिक्कत हो रही है मिस्टर बैटमैन को बेटा आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं देन बेटा जी क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन बहुत दिक्कत हो रही है कह रहे एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़ाओ एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़ाइए हमारा दिल बाहर आ जाएगा बेटा ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं है ठीक है अब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसी जिस ऑर्डर जैसे मैं फ्लो चार्ट बनाती हूँ ऐसे एनसीईआरटी बनाती है लेकिन पी वाई क्यूँ आ चुके हैं इस पे भी पी वाई क्यू है इस पे भी है इस पे भी है इस पे भी है इस पे भी है तो अब क्या चाहिए वो भी ना कराऊँ जिसमें से पी वाई क्यों आता है की तरह आके हाईलाइट करते हो एन 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 क्वेश्चन सोल्व ना कहने को मैंने तुम्हें एनसीआर पढ़ा दी सवाल नहीं निकल रहे इस एक पेज में से पांच पीवाई क्यू आ चुके हैं पांच पीवाई क्यू एक पेज में से इट इज फ्रॉम बेटा अगर आपका टारगेट तीन सौ नंबर है तो आप इधर उधर जाके पढ़ लो मैं तीन सौ नंबर वालों को नहीं पढ़ाती हूँ बेटा अगर आपका टारगेट तीन सौ है तीन सौ सिंपली हाईलाइट करने से आ जाते हैं एनसीआरटी को जाओ रीड करो रीड करते जाओ उससे आ जाते हैं लेकिन तीन सौ साठ लेने हैं तो एनसीआरटी को समझने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है ठीक है तीन सौ साठ वाले यहां पर रुके बाकी कोई बात नहीं बेटा और बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है ठीक है मिस्टर बैटमैन आपके लिए सब ऑप्शन है लेकिन मुझे पता ना बेटा पीवाई क्यू कहां से आते हैं एक्सपीरियंस बोलता है राइट सो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम सिलेबस कंप्लीशन करना इज नॉट माय गोल माय गोल इज कि जब मैं पढ़ाऊं तो मेरे बच्चों का एक एक पीवाई क्यू एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो माय गोल इज नॉट टू शुगर डोज आओ और चॉकलेट देकर निकल जाओ चॉकलेट है आज एक दिन में एक चैप्टर करा दिया चॉकलेट कर ली है ना चॉकलेट बेटा बहुत लोग दे देंगे चॉकलेट से बेटा सिर्फ पेट भरता है नीट नहीं क्रैक होता नीट क्रैक करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है और ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें बियॉन्ड एनसीआरटी पीवाई क्यूज आ चुके हैं फ्यूचर में आ सकते हैं ऑप्शन में आ सकता है ये लिंक्ड है आपके दूसरे चैप्टर से भी तो ये करना पड़ता है इसके बिना तो बेटा मेरा तो पूरा नहीं होता मतलब आई डोंट फील सेटिस्फाइड अगर मैं नहीं कराऊंगी तो है ना तीन सो नहीं तीन सो साठ के लिए तैयारी हो रही है यस yes, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं लास्ट पार्ट दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी चलो बेटा मेरे साथ आ जाओ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स इतने बच्चे छोटे भी थे छोटी उम्र में सब थे ना मान लो बेटा आप में से एक बच्चे को टाइम ट्रैवल कराकर मैं लेके चलती हूँ जब वो था एक साल का है ना बेटा जब आप थे एक साल के नन्हे मुन्ने बच्चे थे है ना जब आप एक साल के थे दो साल के थे ये बेटा जी वो बच्चा है छोटा छोटा बना देते हैं छोटा है ना ये ये देखो ये बच्चा है जो अभी एक साल का है ये लो <coughs> जब बेटा ये बच्चा एक साल का है इस एक साल के बच्चे में कभी तो पहली बारी कभी तो बेटा जी कभी तो बेटा जी पहली बारी कोई बैक्टीरिया गया होगा मान लो पहली बारी ए बैक्टीरिया गया कौन सा बैक्टीरिया गया ए बैक्टीरिया गया ठीक है एक साल का था जब वो ठीक है इस ए बैक्टीरिया को मारने के लिए इस नन्हे मुन्ने बच्चे का इम्यून सिस्टम काम किया होगा जो जितना थोड़ा बहुत इसके पास है काम किया होगा ठीक है मान लो उस समय इस ए को मारने के लिए इसने दस गोलियां चलाई थी कितनी गोलियां चलाई थी दस गोलियां चलाई थी एग्जाम्पल दस एंटीबॉडी चलाई थी ठीक है जी मर गया था वो कोई बात नहीं लेकिन ये नन्ना मुन्ना बच्चा बड़ा शातिर था इसने सोचा आज मेरे पास इस ए नाम का दुश्मन आया है कल भी आ सकता है है ना इसने अपने अंदर बहुत सारे मेमोरी सेल बना के रख लिए बहुत सारे लाखों मेमोरी सेल बेटा जी बना के रख लिए अब आज तो यार ये बच्चा एक साल का है लेकिन कल को बेटा ये बच्चा बीस साल का भी तो होगा जब ये बच्चा बीस साल का होगा तब बेटा बीस साल की उम्र में अब फिर से इसके अंदर यही ए बैक्टीरिया गया एक साल की उम्र में भी ये बैक्टीरिया आया था बीस साल की उम्र में फिर से आया जब बेटा जी ये बैक्टीरिया फिर से गया तब तो बेटा इसने पहले से ही तैयारी करके रखी है इसने पहले से ही बेटा पिछली एनकाउंटर के हिसाब से मेमोरी बना रखी है मेमोरी सेल बना रखे हैं अब तुम्हें क्या लगता है इसको दस गोलियों से धोएंगे अगर पिछली बारी हमने इसको दस गोलियों से धोया था अब दस नहीं दस लाख गोलियां चलेंगी क्योंकि अब मैं अपने दुश्मन की वीकनेस जानती हूं तो जब एंटीजन पहली बारी आता है तब जो बॉडी छोटा सा रिस्पॉन्स जनरेट करती है उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कम गोलियां बनती है तब लेकिन प्राइमरी के हिसाब से हमारी बॉडी मेमोरी बना के रख लेती है कि कल को अगर तो दोबारा आया तो तेरी खैर नहीं यानी कि अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करूं तो प्राइमरी ऐसा है प्राइमरी ऐसा है लेकिन जब वो दोबारा आएगा तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा है तो ये प्राइमरी होता है ये सेकेंडरी होता है समझ गए समझ गए तो कौन सा रिस्पॉन्स हाइटन रिस्पॉन्स है ज्यादा विगरस है सेकेंडरी लेकिन कौन सा रिस्पॉन्स लंबे समय तक चलता है प्राइमरी ठीक है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा हो गया अगर मैं इसको लिखना चाहूं इट इज ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम अटैक ऑफ एंटीजन पहली बारी बेटा जी जब एंटीजन अटैक करता है तो जो रिस्पॉन्स आता है बॉडी का इम्यून सिस्टम का दैट इज प्राइमरी ये क्या है दिस द सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट मतलब बाद के सब्सिक्वेंट और सेकेंड अटैक पर जो रिस्पॉन्स आता है इम्यूनिटी का वो होता है सेकेंडरी ठीक है कौन सा वाला वीक होगा वीक बेटा जी प्राइमरी होगा ये वाला कैसा होगा हाइटंड हाइटंड किसको ज्यादा समय लगेगा रिस्पॉन्स आने में प्राइमरी को समय लगेगा ना वो समझ रहा है बच्चा छोटा भी है अभी ठीक है इट टेक्स टाइम टेक्स लॉन्गर टाइम ये इट विल टेक शॉर्ट टाइम ठीक है टाइम बेटा सेशन लाइक नहीं हो रहा मैं देख रही हूं यस हूँ द एंटीबॉडी विच इज इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड एज आई जी एम सबसे पहले बेटा रिस्पॉन्स में कौन आती है बचाने के लिए हमको आई जी एम और बेटा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मेजर एंटीबॉडीज आईजीजी आती सारी हैं, बट मैं मेजर बता रही हूं इधर द मेजर वन इज आईजीएम, उधर द मेजर वन इज आईजीजी, ठीक है जी, जी? यस अब ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है यही तो मेमरी कहलाता है जो हम बोलते हैं कि वैक्सीनेशन में हमारी मेमरी बनती है यही है मेरी मेमरी यही बेटा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेमरी इसी को बेटा भी बोलते हैं immune response is also called as इसको रब कर दो बच्चे को बच्चे को रब कर देते हैं बच्चे का को कोई काम नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था यस yes, इसको ग्राफ को यहां रख देते हैं yes, इसका दूसरा नाम है एनास्टिक यस यस मेरे बच्चों एन के सेल्स बेटा आर टाइप्स ऑफ यू कैन से द सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन नेट इम्यूनिटी ठीक है उसका मेजर हिस्सा है कैसे किल करते हैं अगेन परफोरेंस की मदद से छेद करके एंटीजन को किल करते हैं ठीक है चलो क्लियर हो गया तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इट इज़ डन बाय आई जी एम एंड दिस इज डन बाय आई जी जी आप इसको याद कैसे रखेंगे मैम प्राइमरी में एम आता है या सेकेंडरी में एम आता है इसको याद रखेंगे गाड़ी से बड़ी फेमस गाड़ी बेटा आजकल चल रही है एम जी हेक्टर चलती है मॉरिस गराज एम जी मतलब मॉरिस गराज तो एम जी से याद रख लो एम पहले आएगा प्राइमरी जी बाद में आएगा ठीक है एम पहले आता है जी बाद में आता है और कैसे याद कर सकते हो कल बेटा जी गांधी जयंती थी गांधी जयंती पे आपको पता है यार महात्मा जी गांधी ठीक है महात्मा गांधी से याद रख लो या मॉरिस के राज से याद रख लो जैसे याद रखना चाहो वैसे रख लो यस <coughs> yes? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा

जो स्पून फीड करना चाहते हैं जो डोपामीन चाहते हैं डोपामिन चाहते हैं अच्छा यहाँ ये देवा था ये दे मैम ने यहाँ ये देवा था मैम ने भी बताया यहाँ ये दे मैम ने भी दिस इज डोपामीन उनको आज डोपामिन चाहिए आज वो एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उन्होंने पीवाई की उस देखी नहीं है कभी ओल्ड एनसीआरटी देखी ही नहीं पता नहीं किस टीचर से जाके पढ़ते हो तुम लोग है ना यस फिर बच्चों चलिए कोई बात नहीं हाँ जी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी यस मेरे बच्चों तो बताऊं एक्टिव पैसिव क्या होती है पहले एक्टिव कर लेते हैं फिर हम पैसिव करेंगे ओके okay. आप में से कितने लोग अभी एक्टिव हैं और कितने लोग अभी पैसिव में अभी बताती हूं ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात को एक्टिव इम्यूनिटी वो है जो कहती है कि अगर मेरी बॉडी के अंदर एंटीजन गया है तो मैं उसके लिए एंटीबॉडी बनाऊंगी सिंपल ये रफ पे ले लेते हैं ये रफ बच्चा है ठीक है इस बॉडी के अंदर मैंने क्या डाला बैक्टीरिया डाला इस बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर ये बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी खुद बना रही है तो एक्टिव है. लेकिन अगर खुद नहीं बना पा रही है किसी वजह से इसको बना बनाया एंटीबॉडी दे देंगे पैकेट में लेकर है एंटीबॉडी और ये बना बनाया एंटीबॉडी दे दिया तो वो पैसिव है सिंपल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब जब बॉडी के सेल्स खुद से एंटीबॉडी बनाते हैं यस बेटा वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी वेन बॉडीज ओन सेल स्टार्ट फॉर्मिंग स्टार्ट फॉर्मिंग Start forming antibody. Body के खुद से सेल बेटा जब एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिव बोलते हैं दूसरा क्या है Passive. Passive मतलब antibodies दी जाती हैं। क्या कोई सोच सकता है कब दी जाती हैं? आप भी लेते हो आपको भी मिली है बचपन में प्री फॉर्मड एंटीबॉडीज हर बच्चे को मिली है प्री फॉर्मड एंटीबॉडीज आर गिवन टू इंडिविजुअल इसने खुद मेहनत नहीं की बनी मनाई कहीं से गई बनी बनाई कहीं से मिल गई वो होती है पैसिव हाँ जी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स किसका होगा एक्टिव का जो काम खुद से कर रहे हो लंबा चलेगा ना इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा और पैसिव का बेटा जी नॉट लॉन्ग लास्टिंग ठीक है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा हाँ बिल्कुल सही है कह रहे पोलियो मिली है बिल्कुल सही है गलत है आंसर पोलियो तुम्हें एंटीबॉडी नहीं मिली है एंटीजन दिया था यही तो बत्ती खोलनी है तुम्हारी पोलियो ड्रॉप्स में एंटीबॉडी नहीं थी पोलियो ड्रॉप्स में एंटीजन था वीकेंड पोलियो वायरस था द वैक्सीन इज नॉट अ पैसिव पैसिव इम्यूनिटी जो तुम्हारे अंदर टीके लगाए जाते हैं पोलियो की ड्रॉप्स मिली है कोविड की वैक्सीन लगी है दैट वॉज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पैसिव फ्री फॉर्म एंटीबॉडीज नहीं दी है तुम्हें वायरस दिया है ताकि तुम्हारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाए ठीक है जी यस हाँ जी आ, तो ये हमें पता चल गया अब एक्टिव इम्यूनिटी बेटा टू टाइप्स की हो सकती है यहां पर आएगा पोलियो डोंट वरी ये भी दो तरीके की है ये भी दो तरीके की है <laughs> यस दो तरीके का एक्टिव इम्यूनिटी है इधर में बताती हूँ पहले का नाम है नेचुरल

सब क्लिनिकल इंफेक्शन हुआ अगर अगर इंफेक्शन होगा तो बेटा तुम एंटीबॉडी बनाओगे मान लो तुमको चिकन पॉक्स हो गया खुद से हुआ ना मैंने थोड़ा किया तुमको चिकन पॉक्स हुआ तुम्हारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई तो यार ये किसका एग्जाम्पल है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है दूसरा आ जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब ये तुम हो ये बेटा जी तुम हो तुम्हें खुद से इन्फेक्शन नहीं हुआ तुम्हें इन्फेक्ट किया गया तुम्हें इन्फेक्ट किया गया कैसे इन्फेक्ट किया गया टीका लेके आए एक ए टीका लगाए बेटा तुम्हें ठीक है, तुम्हें इन्फेक्ट किया गया कैसे इन्फेक्ट करते हैं वैक्सीनेशन में आज तक बेटा जी जितनी तुमको वैक्सीनेशन लगी है कोविड की हो चिकन पॉक्स की अगर कुछ बच्चों को लगी होगी टीबी की हो एमएमआर हो डीपीटी हो इन सब में वीकेंड एंटीजन डाला जाता है वीकंड या हीट किल एंटीजन डाला जाता है। एंटीबॉडी नहीं डाली जाती तुम्हारे अंदर वायरस डालते हैं तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया डालते हैं तो तुम्हारे अंदर अगर वीकेंड वायरस डाल दिया एंटीजन डाल दिया तो बॉडी तो अभी भी खुद से ही एंटीबॉडी बना रही है है ना एंटीबॉडी तो खुद से बन रही है तो ये नेचुरल इम्यूनिटी है एक्टिव इम्यूनिटी है लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव मतलब खुद से रिस्पॉन्स हो रहा है गोली खुद से बन रही है एंटीबॉडी खुद से बन रही है लेकिन पैथोजन हमने डाला है, नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो वैक्सीनेशन बेटा जी इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ठीक है वैक्सीनेशन अरे बहुत छोटा हो गया इधर आ जाएगा सब क्लिनिकल इंफेक्शन समझ गए यस yes, मेरे बच्चों ये बात समझ गए सब क्लिनिकल इन्फेक्शन वैक्सीनेशन अब आ जाओ इधर पैसिव पे पैसिव में दो तरीके के हो सकते हैं पैसिव में क्या है बना बनाया एंटीबॉडी डालना बना बनाया एंटीबॉडी डालना है ये भी क्या हो सकती है नेचुरल और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इसको समझना नेचुरल एंड आर्टिफिशियल समझ आ रहा है ना बेटा हाँ अब एक पेज पे समझाती हूँ ये एक बंदा है ठीक है ओके Osionfish. इसको हमने बना बनाया एंटीबॉडी देना है बना बनाया एंटीबॉडी देना खुद नहीं बना रहा अब एंटीबॉडी कहीं से तो लोगे कहीं से तो लोगे वो कोई और बंदा बना रहा है इसको बनाने के लिए कोई और आदमी है एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है अब बेटा जो सोर्स है इस एंटीबॉडी का अगर तो यार ये नेचुरली बना रहा था जो भी सोर्स था सोर्स ए सोर्स एक्स अगर उसने ये नेचुरली बनाई तो वो नेचुरल पैसिव है कि भैया मैं जिससे ले रही हूं वो तो नेचुरली बना रहा है लेकिन बेटा जी एक केस, एक केस, नेचुरल नहीं है कई बारी हम हॉर्स से जबरदस्ती इंफेक्शन करके एंटीबॉडी बनवाते हैं फिर बेटा जी उस एंटीबॉडी को इस आदमी के अंदर डालते हैं एग्जाम्पल वेनम जब सांप डंग मारता है बेटा उसके लिए एक दवाई होती है जिसको हम एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं वो दवाई दवाई में ऑलरेडी प्री एंटीबॉडीज होती हैं वो किसने बनाई हॉर्स ने बनाई हॉर्स क्या खुद से बना रहा था नहीं उसके अंदर पहले हमने स्नेक वेनम डाला तब उसने बनाया यानी कि इस आदमी के लिए तो ये पैसिव इम्यूनिटी है क्योंकि इसको तो सब बना बनाया मिल रहा है लेकिन जहां से मिल रहा है उसने भी खुद नहीं बनाया था बनवाया तो ये आर्टिफिशियल पैसिव हो गई समझ गए Yes, तो पैसिव भी दो तरीके की है अगर तो बेटा जिस सोर्स से ले रहे हो नेचुरली बना रहा है तो नेचुरल पैसिव एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा जैसे आई जी जी प्लेसेंटा के द्वारा क्रॉस करके बच्चे के पास जा रही है मम्मी ने तो नेचुरली बनाई थी हां जी आई जी ए मम्मी अपने बच्चे को दे रही है ब्रेस्ट मिल्क में कोलेस्ट्रम में है ना बच्चे के लिए वो पैसिव है क्योंकि उसको बड़ी बनाई मिली लेकिन उसकी मम्मी ने तो नेचुरली बनाई मम्मी को तो इंजेक्शन देके नहीं बनवाई थी हाँ तो यार ये हो गया आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी अब आते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी यानी कि बना बनाया दे रहे हैं किसी को किसको दे रहे हैं जिसको स्नेक काट गया तो क्या दे रहे हैं एंटी स्नेक वेनम एंटी स्नेक वेनम बनवाया कहां से कहां से लेके आए हॉर्स से लेके आए हॉर्स ने क्यों बनाया क्योंकि तुमने हॉर्स को इंजेक्शन दिया था तो हॉर्स ने उसको आर्टिफिशियली बनाया और उस जिस पेशेंट को हम एज ए पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं और एंटी टेटनस सिरम एंटी टेटनस सिरम ये भी है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का टाइप यस हो गया यस yes, मेरे बच्चों चल क्या रहा है चल क्या रहा है, कौन है कल मुझे वो लेके आना पड़ेगा हाइड वाला बटन आज मैं लेके नहीं आई हूं बेटा मैं दूसरे अकाउंट से लॉग इन हूं नहीं तो काम तमाम तो मैं अभी कर देती ऐसे बच्चों का ठीक है यस <coughs> yes. समझ आ गया यस yes. ठीक है बेटा एन टी ए में आपके रिश्तेदार हैं मामा जी रहते हैं हमसे ही बात करा देना और ये सब तो बेटा एनसीआरटी में है ठीक है जी मेरी बुक बेटा आ भी गई चल भी गई उड़ भी गई कल तो हमारी बुक बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया में फीचर हुई थी अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का अक्टूबर फर्स्ट का आर्टिकल देखेंगे तो वहां पर हमारी बुक का मेंशन था आप अमेजॉन पर जाके देख सकते हैं अमेजॉन पर जाओ सी पाउजा डालो बस मेरी बुक आ जाएगी ये बुक बेटा इस समय पर ट्रेंडिंग में चल रही है तभी बेटा इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी फीचर किया है एंड इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट अच्छी चल रही है बहुत बच्चे से प्रैक्टिस करते हैं जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहें खरीद सकते हैं उसमें मैंने बेस्ड क्वेश्चन उसमें PYQs, exemplar, उसमें बेटा जी माइंड मैप्स उसके अंदर मैंने रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इवेंट बेस्ड क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन बेटा मैंने डाले हैं तो बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हैं एमेजॉन पे जाके देखिए उसके रिव्यूज देखिए ठीक है ब्रेस्ट मिल्क के बाद कोलेस्ट्रॉम लिखना था कोलेस्ट्रॉल हो गया एक मिनट कोलेस्ट्रॉम है ये ठीक है

तुम्हारे अंदर मैंने कोविड कोरोना वायरस डाल दिया ताकि तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए एक्टिवेट हो जाएगा तो बहुत सारे एंटीबॉडी बना के रख लेगा मेमोरी सेल बना के रख लेगा ये मेमोरी सेल्स सालों साल तक जिंदा रह सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी है ये चीज तो बेटा जब वो फ्यूचर में दोबारा आता है एक्चुअल एंटीजन तगड़ा एंटीजन तो यार तब वो मर जाता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसके मेमोरी सेल्स होते हैं ठीक है सो अगर कोई पूछे इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है तो तुम बोलोगे एक लाइन में मेमोरी है ठीक है जिसमें हम वीकेंड पैथोजन डालेंगे एंटीबॉडी बन जाएंगी मेमोरी बी सेल बन जाएंगे ताकि जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा सब्सिक्वेंट समझ गए सब्सिक्वेंट मतलब सेकेंड एक्सपोजर होगा तो इट विल ओवरवेलम द इनवेडर्स ठीक है इट विल ओवरवेलम द इनवेडर्स एग्जाम्पल टेटनस का लगता है यस yes, मैं एक मिनट रुकिए Uh, कहा गया हाँ, ये डालनी yes. पड़ी ये रहा वो चीज जो यहां पर मैंने लिखवाई है टेटनस वाली टेटनस का जो इंजेक्शन होता है वो वैक्सीन नहीं है टेटनस का इंजेक्शन में प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज है ये माना गया कि तुम्हारे अंदर क्लोस्ट्रेडियम टेटेनाइज घुस चुका है जब चोट वोट लगती है गिरते हैं साइकिल से लोहे पे गिरते हैं जाके तो फटाफट -फड़ से बोलते टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो टेटनस के इंजेक्शन में क्या है क्या वो वैक्सीन है नहीं हर इंजेक्शन वैक्सीन नहीं होता है टेटनस के इंजेक्शन में बेटा जी पहले से हमने प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज रखे हैं ये देखो इट्स अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी प्री फॉर्मड एंटीबॉडीज रखे हैं कि अगर मान लो तुम्हारे अंदर टेटनस वाला बैक्टीरिया घुस गया होता तो तुम्हें प्री प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज उससे बचा लेंगे लेकिन वैक्सीन एक प्री प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज नहीं है ठीक है जी वैक्सीन क्या है वैक्सीन बेटा जी वीकेंड एंटीजन है जिससे जिससे इम्यूनिटी जिस से मेमोरी सेल्स बनते हैं और बेटा जी पहले से एंटीबॉडी रेडी हो जाती है एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन डीपीटी एग्जाम्पल एम एम आर ठीक है यस तो ये तो पैसिव इम्यूनाइजेशन है दिस इज नॉट वैक्सीन याद रखना है अच्छा एक स्पेशल टाइप की वैक्सीन का बेटा स्पेशल मेंशन है यहां पर तीन तरीके की वैक्सीन होती है टाइप ए टाइप बी टाइप सी अब नया जमाना आ गया यार नए टाइप की वैक्सीन आ गई है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने हिस्सा ले लिया है जिसमें बेटा जी ये वैक्सीन बना रहे हैं बाय यूजिंग बैक्टीरिया एंड यीस्ट बायोटेक यहां भी घुस चुका है हमने डीएनए वैक्सीन बना ली है ठीक है वैक्सीन यूजिंग दिस अप्रोच क्या फायदा है लार्ज स्केल में वैक्सीन बनती है और ग्रेटर अवेलेबिलिटी बहुत सारे लोगों को एक साथ इम्यूनाइज करते हैं बेटा पहले के जमाने में क्या होता था वैक्सीन कम अमाउंट में बनती थी तो धीरे धीरे करके पहले एक चंक को एक स्टेट को इम्यून किया फिर अगले स्टेट की बारी आई स्कूलों में लगते थे मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पोलियो ड्रॉप्स दी जाती थी लेकिन आज रिकॉम्बिनेंट रिकॉमिन टेक्नोलॉजी से जो हम वैक्सीन बना रहे हैं वो लार्ज स्केल में बनेंगे और मास इम्यूनाइजेशन उससे एक साथ पॉसिबल है एग्जाम्पल ये नए दौर की वैक्सीन का एग्जाम्पल बताएं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो कि यीस्ट से बनती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पहले पूछेंगे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का नाम बताओ तुम बोलोगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किससे बनती है यीस्ट से अभी के अभी याद करो किससे बनती है यीस्ट से बनती है यस yes, मेरे बच्चों याद हो गया यस yes, याद हो गया क्या

ठीक है लिंक ट्री ऑलरेडी अपडेटेड है बेटा अगर मैंने यहां के दिखा दिया ना आप सबका पोपट हो जाएगा लिंक ट्री इज हाईली अपडेटेड जितने लेक्चर कल तक हो चुके हैं सारे हैं उसमें मैं प्रूफ भी कर सकती हूं अभी प्रूफ कर दू प्रूफ कर दूं Yes, दो एलर्जी क्या होती है तो हम वैसे मानते नहीं है इस चीज को एलर्जी मतलब एग्जाम्पल मुझे सन से एलर्जी मैं सन में जाऊंगी मेरी स्किन बहुत रेड हो जाएगी रैशेस आ जाएंगे लाल लाल आंखों में से पानी आने लगेगा मुझे बीट से एलर्जी मैंने अचानक से बीट खाया मेरा पूरा शरीर लाल हो गया अगेन पानी बहने लग गया यानी कि अगर मेरी बॉडी किसी सब्सटेंस के प्रति बहुत हाइपर सेंसिटिवली एक्ट करे मतलब पॉल्जी हो जाए यार अचानक से रिएक्शन शो करने लग जाए दैट इज एलर्जी और जिस सब्सटेंस के अगेंस्ट ये रिएक्शन आ रहा है दैट इज एलर्जन जैसे करा था ना कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या था कार्सिनोजन तो एलर्जी किससे होती है एलर्जन अब हर आदमी को एलर्जी अलग चीज से होती है कुछ एलर्जी होगी सम पीपल आर सेंसिटिव टू डस्ट उनको डस्ट से एलर्जी होगी सम पीपल आर सेंसिटिव टू सम फूड पार्टिकल पीनट से एलर्जी है मशरूम से एलर्जी है कुछ को कुछ को वीट से कनक से एलर्जी हो जा रही है ना तो एलर्जी अलग अलग चीजों के प्रति होती है और ऐसा नहीं है हर आदमी में सेम एलर्जी है नई किसी को किसी चीज की एलर्जी होगी किसी को किसी चीज की एलर्जी होगी यानी कि हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स है ये हाइपर सेंसिटिव एलर्जी क्या है हाइपर सेंसिटिविटी है सेंसिटिव इम्यून रिस्पांस है ठीक है हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पांस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इसमें कौन सी एंटीबॉडी हिस्सा लेती है इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई एलर्जी जीजी आईजीई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इस एलर्जी में इस एलर्जी में कौन आते हैं टी सेल्स आते हैं बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होती है इस एलर्जी में हो क्या रहा है कोई ना कोई एलर्जन आ रहा है ठीक है है कोई आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एलर्जन ये सन भी हो सकता है ये कोई फूड पार्टिकल भी हो सकता है जब इस एलर्जन का एंट्री होती है बॉडी में तो बॉडी में बेटा कुछ सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे बेटा जी जो सेल एक्टिवेट हो रहे हैं वन ऑफ द सेल इज मास्ट सेल ठीक है ये मास सेल क्या रिलीज करता है हिस्टामिन आपने एनिमल टिश्यू में नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लो हिस्टामिन का क्या काम है हिस्टामिन का काम है कि यार मेरी अगर ब्लड वेसल का डायमीटर इतना है तो ब्लड वेसल का डायमीटर को बढ़ा देना डायमीटर दा इंक्रीज कर देना यानी कि हिस्टामिन का काम है शन अगर बेटा मेरे ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज होगा तो ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो बाहर से चीज लाल दिखेगी ना तो जब सन से एलर्जी होती है तो स्किन लाल हो जाती है रैशेज में भी आप देखोगे लालगी लालगी आ जाएगी स्वेलिंग हो जाएगी वाई वाई इट हैजेंड बिकॉज ऑफ वैसो डाइलेशन सो इट इज एन एग्जाजरेटेड बढ़ाया चढ़ाया हुआ इम्यून रिस्पॉन्स इसको हम बोलते हैं एग्जाजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं बड़ा चढ़ा हुआ एग्जाजरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा हुआ इम्यून इज इज कॉल्ड कॉल्ड एज एज बेटा जी एलर्जी एलर्जी बहुत से एलर्जी होती है, hey hey है. है? है ना तो मैं यहाँ टाइप्स शॉर्ट में लिख देती हूँ यस yes, मेरे बच्चों टाइप्स <coughs> लिख देती हूँ अगेंस्ट पोलन ग्रेन्स अगेंस्ट पोलन तो हे फीवर का एलर्जन कौन है पोलन है इसमें कौन सा ट्रैक्ट इन्वॉल्व है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है आंखें लाल हो जाती है नाक में से पानी आता है आंखों में से पानी आता है फिर ये हे फीवर है अनदर एलर्जी एजमा एजमा बेटा जी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ये अपर अपर ट्रैक्ट का है ये बेटा जी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है ठीक है एस्थमा नहीं है एजमा है इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा मास सेल आया मास सेल बेटा हिस्टामिन रिलीज करता है हिस्टामिन नो no डाउट एक वैसो डाइलेटर है हिस्टामिन बेटा जी ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर भी है ब्रोंक्यो कंस्ट्रिक्टर भी है जब बेटा जी मेरे अंदर की ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी ना है ना तो एजमेटिक पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती क्यों क्योंकि हिस्टामिन ने उसकी ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर कम कर दिया है कैसे ठीक करें वो फुसफुस इनहेलर इनहेलर में क्या होता है एंटीहिस्टामिन ये एंटीहिस्टामिन आके ब्रोंको डायलेशन कर देते हैं ब्रोंकियोल्स फिर से डायलेट हो जाएंगे ब्रोंकियोल्स डायलेट हो जाएंगे तो सांस आना फिर से आ जाएगा ठीक है जी यस देन अनदर वेरी यू नो मेजर टाइप ऑफ एलर्जी जिससे डेथ भी हो सकती है दैट इज शॉक एनाफाइलैक्टिक शॉक ये किसके अगेंस्ट होती है ये पेनिसिलिन की वजह से होती है पेनिसिलिन इनटेक इससे डेथ हो जाती है पेनिसिलिन इनटेक ठीक है जी हुआ क्या हुआ वही मास्ट सेल आए मास्ट सेल आए मास्ट सेल ने हिस्टामिन रिलीज किया हिस्टामिन से वेसल डायलेट हुए डायलेट होने से बीपी कम होगा बढ़ेगा वैसो हुई वैसो डायलेशन से बीपी कम हो जाएगा बीपी कम हो जाएगा तो बंदा बेहोश हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट डेथ अनकॉन्शियसनेस बेहोशी आएगी और उसके बाद डेथ हो जाएगी दिस इज एन शॉक एक्सट्रीम लेवल ऑफ एलर्जी अब इसको ठीक कैसे करें भैया हमें समझ आ गया एलर्जी हिस्टामिन की वजह से होती है तो दवाई में क्या लें दवाई में लेते हैं ना सिट्राजिन ले लो एंटी एलर्जिक है क्या है सिट्राजिन में ट्रीटमेंट हाँ जी मेरे बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी हिस्टामिन की वजह से हो रहा है तो एंटी हिस्टामिन ले लीजिए है ना उससे ठीक भी हो जाएगा तो एंटी हिस्टामिन ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट एंटी हिस्टामिन ठीक है और स्टेरॉइड्स और एड्रेनालिन, ये तीन मेजर ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट पे भी क्वेश्चन आ चुका है एड्रेनालिन, <coughs> यस yes, मेरे बच्चों वेरी गुड एंटी हिस्टामिन, स्टेरॉइड एड्रिनलिन याद हो गया ये बात थी एलर्जी की अगला डिसऑर्डर बेटा जी इसमें आता है ऑटो इम्यून डिजीजेस ऑटो इम्यून डिजीजेस बस दो और हैं फिर खत्म बेटा इम्यूनिटी को मैं लिंगर ऑन नहीं करना चाहती थी इसीलिए मैंने एक ही वन शॉट में ही सारा बता दिया ऑटो इम्यून डिजीजेस यस ऑटो इम्यून डिजीज मतलब मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम पागल हो जाए मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर मेरे ही सेल्स को दुश्मन समझने लगे तो यार वो होती है ऑटो इम्यूनिटी कि माय इम्यून सिस्टम वो सपोज टू किल फॉरेन सेल बैक्टीरिया को मारना था या वायरस को मारना था लेकिन वो मेरे ही सेल को मार रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा कि यार ये मेहमान नहीं है ये तो हम ही हैं लेकिन वो होता है ना बेटा विभीषण घर का बेदी लंगा ढाए घर के बेदी है ये घर ये वालों को ही मार रहे हैं है ना घर वालों को मार रहा है दिस इज ऑटो इम्यूनिटी यानी कि वेन बॉडीज इम्यूनिटी गोज अगेंस्ट इट सेल्फ अपनी अगेंस्ट हो जाए अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो जाए गोज अगेंस्ट इट सेल्फ कोई रीजन नहीं है बेटा इसका रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ आज तक लोग खोज ही रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ बट वो खुद के सेल को खराब कर रहा है ये तो यार किस्मत का खेल हो गया एक तरीके से एग्जाम्पल ऑफ द डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट रिमेटॉइडिस समझते हो ना गठिया गठिया जोड़ों का डिसऑर्डर रिमेटॉइडिस ऑटो ऑटोइम्यून है ग्रेविस ये हम लोकोमोशन में पढ़ते हैं ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस ये भी क्या है ऑटो इम्यून मल्टीपल स्क्लेरोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसा क्यों होता होगा क्योंकि बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी बन जा रही है मतलब ऐसे एंटीबॉडी जो मेरे खुद के सेल को खराब करने लग जाए बैक्टीरिया वायरस को मारना था लेकिन वो मेरे ही स के सेल लिवर के सेल को खराब करने लग जाए दिस इज ऑटो इम्यूनिटी ठीक है जी एग्जाम्पल पूछी जाती है ऑटो इम्यूनिटी की बहुत बारी, तीसरा आता है ग्राफ्ट रिजेक्शन ग्राफ्ट रिजेक्शन बेटा ट्रांसप्लांटेशन का केस सुना है ट्रांसप्लांटेशन दैट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन एक पर्सन है जिसकी किडनी खराब हो गई है इसकी किडनी खराब हो चुकी है ठीक है इसकी किडनी नॉट वर्किंग तो इसको डाल दिया डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट लिस्ट पे कि भाई तुम्हारी किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे डोनर ढूंढ रहे हैं यानी कि ये रिसीवर है इसको रेसिपियंट है इसको किडनी चाहिए जब इसकी मैचिंग का डोनर मिल जाएगा ये डोनर है कि ये कह रहा है मेरी एक किडनी मेरी दोनों किडनियां ठीक है मेरे से ले लो ये कह रहा है मुझसे ले लो तो यार ये हो गया डोनर जब बेटा डोनर रेसिपियंट को अपनी किडनी देगा तो भाई रेसिपियंट की बॉडी में तो ये किडनी बाहर से आई है इसके इम्यून सिस्टम को क्या पता कि भैया जरूरत थी इम्यून सिस्टम कुछ नहीं सुनता है इम्यून सिस्टम को तो लगेगा यार ये बाहर से आया बंदा इसको मारो तो इम्यून सिस्टम इस डोनेटेड ऑर्गन को रिजेक्ट करना शुरू करेगा इसको बेटा जी परेशान करना शुरू करेगा इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा इसको बोला जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन कि अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन आ जाए ट्रांस लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए लंग ट्रांसप्लांट हो जाए किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए तो यार माय इम्यून सिस्टम विल नॉट ईजिली एक्सेप्टेड अचानक से तो नहीं करेगा पहले दिन वो रिजेक्ट करना शुरू करेगा इसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन कैसे ठीक करें कैसे ठीक करें ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है हर एक ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के साथ होगी इसको ठीक करने का तरीका है कि जब बेटा जी पेशेंट ट्रांसप्लांट होता है तब बेटा उस पेशेंट को दिए जाते हैं इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स इम्यूनो सुप्रेसेंट दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए उसको इम्यून सिस्टम दबाने की दवाई दी जाती है ताकि रिजेक्शन ना हो ओवर द टाइम बेटा एक्सेप्टेंस आ जाती है तब उन ड्रग्स को छुड़वा दिया जाता है सो दिस इज ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन रिजेक्ट कर रहा है सी एम आई सेल मीडियटेड इम्यूनिटी टी सेल आकर रिजेक्ट करते हैं <laughs> तो लिख लेते हैं यहां पर क्या हो रहा है रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम बेटा जी एक्ट अगेंस्ट एक्ट अगेंस्ट ग्राफ्ट ग्राफ्ट मतलब ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट बेटा इम्यून सिस्टम एक्ट करता है इम्यून सिस्टम का कौन सा हिस्सा वेरी इंपॉर्टेंट सी एम आई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि टी सेल्स बेटा जी एक्चुअली में रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे तरीके का बेटा ग्राफ्ट होता है जैसे एक ग्राफ्ट होता है जो ट्विन ट्विन दे देते हैं आइडेंटिकल ट्विन देते हैं इसको बोलते हैं आइसोग्राफ्ट ये वैसे है नहीं आपके सिलेबस में जस्ट मैं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ कई बार एक मून जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ऑर्गन दे देते हैं दिस इज कॉल्ड एज आइसोग्राफ्ट कई बार क्या होता है हमारी बॉडी का कुछ हिस्सा हम ग्राफ्ट के तौर पे लगाते हैं जैसे प्लास्टिक सर्जरी जब होती है तो मेरी ही थाई में से स्किन उतार के ऊपर लगा दी दिस इज ऑटोग्राफ्ट सेम बॉडी का हिस्सा लगा दिया स्किन चाहिए थी उसी बंदे ही ले ली ठीक है ऑटोग्राफ्ट और क्या होता है सेम स्पीशी ह्यूमन ह्यूमन के बीच में हो गया एलोग्राफ्ट एलोग्राफ्ट मतलब सेम स्पीशी के बीच में हो गया और होता है जीनोग्राफ्ट जीनोग्राफ्ट होता है डिफरेंट स्पीशी अभी एक केस आया था एक पिग में एक ह्यूमन में पिग का हार्ट लगा दिया एक केस आया था वो सरवाइव नहीं कर पाया ज्यादा लंबा बट ह्यूमन का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और उसमें पिग का लगा दिया डिफरेंट स्पीशी डिफरेंट स्पीशी का क्या मतलब है जीनोग्राफ्ट तो आइसोग्राफ्ट मतलब बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस ऑटोग्राफ्ट मतलब सेम बॉडी के बीच में एलोग्राफ्ट सेम स्पीशी ह्यूमन ह्यूमन के बीच में जैसा जनरली होता है जीनोग्राफ्ट डिफरेंट स्पीशी के बीच में ठीक है जैसे ह्यूमन में पिक का हार्ट लगाती है दैट इज जीनोग्राफ्ट ठीक है इसको ठीक कैसे करें अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको ठीक कैसे करें बेटा ड्रग्स दिए जाते हैं एज इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स रेसिपियंट को दिए जाएंगे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करने वाले ड्रग्स एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल ए साइक्लोस्पोरिन ए साइक्लोस्पोरिन ए ये जाके टी हेल्पर सेल को ब्लॉक करते हैं और क्या दिया जाता है कॉर्टिसोल भी दिया जाता है कॉर्टिसोल भी इम्यूनिटी को सुप्रेस करता है कॉर्टिसोल भी दिया जाता है यस yes, मेरे बच्चों नहीं बेटा कोई नहीं छोड़ के जा रहा वंश गुप्ता डोंट वरी

अब आई होप समझ आया होगा तो एक कमेंट जरूर करके जाना कल हम कॉमन डिजीजेस करेंगे वो छोटा पोर्शन है ठीक है बस यही सबसे बड़ा पोर्शन था कल कॉमन डिजीजेस और ड्रग्स देखते हैं कल कर सकते हैं या फिर परसों कर लेंगे ड्रग्स ठीक है जी चैप्टर खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है दूसरी चीज जो बच्चों ने अभी भी अनसाठ में रजिस्टर नहीं किया है मस्ट है इंपॉर्टेंट अमेजिंग स्कॉलरशिप है वाउचर्स मिलने वाले हैं इसमें लिंक मैंने पिन कर दिया है क्या आप सब एनरोल कर लिए बताना यस और नो में बताओ यस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से आता है माइक्रोब्स में करेंगे ठीक है बताओ कहां से येस yes, फटाफट से बता दो क्या एनरोल कर लिया है जिस बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं किया लिंक मैंने पिन करा दिया है प्लीज जाके अनसैठ में एनरोल करिए नेशनल लेवल का टेस्ट होने वाला है लाखों बच्चे इसमें अपियर होते हैं तो आपका इसमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके थ्रू मेरा एक स्पेशल रैंकर ग्रुप बन रहा है अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो यार इस रैंकर ग्रुप में एडमिशन उसी को मिलेगा जो इस अनसैठ को देगा ठीक है लिंक मैंने पिन कर दिया कोड अगर कहीं भी मांगे तो कोड आप डाल देंगे सीप लाइफ ठीक है दूसरी चीज़ बेटा जी आपको बतानी थी कि यार आप लोग माइंड मैप्स और टेस्ट सीरीज का कॉम्बो ले सकते हो अन अकेडमी की एंड्रॉइड ऐप में जाके मॉक टेस्ट और माइंड मैप और फ्लैश कार्ड को कॉम्बो अन अकेडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज यानी कि यू ए आई टी एस यू ए आई टी एस इज ऑलरेडी लाइव पेन पेपर मोड में भी ले सकते हो और साथ में आप इसको ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हो अगर आपके आसपास सेंटर नहीं है आप तो अन अकेडमी के सेंटर ऑलमोस्ट हर जगह खुल चुके हैं डिजिटल नोट्स और टेस्ट सीरीज का कॉम्बो भी बना सकते हो और रिकॉर्डेड बैच आप मेरे बैचेस प्लस पे चल रहे हैं उसमें भी एनरोलमेंट ले सकते हो जो भी इसमें से लोग एक कोड आप लगा दीजिएगा सीप लाइव ताकि आपको उस समय पर चल रहा हुआ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाए ठीक है तो कल मिलेंगे सेशन को लाइक कर दो और कॉमेंट जरूर करके जाना समझ आया कि नहीं आया दूसरा बेटा अन में जरूर एनरोल कर लेना लिंक यहां पिंड रहेगा ओके थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर